ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या यू कैन सी माय प्रेजेंटेशन? कैन यू कंफर्म, आर यू एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन? यस सर, यस सर। Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So today I'm going to discuss about the short straddle and beyond and diagonal calendar spreads to get risk-free 5 to 10% ROI. Now, इसमें क्या बोलना चाहूँगी, जितनी भी स्ट्रेटेजी आज दुनिया में चल रही हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजी चल रही हैं, अगर आपको रिस्क फ्री पैसा लेना है तो आपको स्प्रेड से ही आएगा। स्प्रेड का और कोई तरीका ही नहीं है। चाहे आप सोम जी आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, या नीरज बता रहा है, या मैं बता रहा हूँ, कोई भी बता रहा है, इन सबका जो बैकग्राउंड है वो स्प्रेड है। अगर आपको स्प्रेड समझ में आ गया और अगर आपने रिलीजियसली स्प्रेड फॉलो करने लग गए तो आपको पैसा आएगा। और अगर आप ये जो कैलेंडर स्प्रेड वाली जो चीज है, जो जैसे सोम जी बता रहे हैं कि आपको अक्टूबर का किया, नवंबर का ये कर दिया, या सितंबर का ये कर लिया, दिस ऑल आर द स्प्रेड ओनली, तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर आप अपना आराम से बिजनेस प्लान बना के आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि मैं आपको 1.25 लाख रुपए आपको कमा के दे दिया, महीने के अंत तक आपको 2 लाख रुपए आ जाएगा, इट्स नथिंग बट planning, it is a business plan what is making it through spreads, so that what we are going to discuss today, okay? So मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको example बताऊंगा। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात नहीं करने वाला, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे बहुत experts हैं, मैं आपको stocks के बारे में बात करने वाला हूँ। principle remain the same, चाहे आप वो stock में principle लगाइए, निफ्टी में लगाओ, बैंक निफ्टी में लगाओ, कहीं भी लगाओ, the logic principle remain the same। आपको वो logic समझ आ जाना चाहिए। अगर वो logic अगर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप अपने आप ट्रेड लोगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो वही आज मेरा फोकस है कि कैसे हमारे को जो है ये स्प्रेड समझना है और कैसे हमारे को पैसा बनाना है, दैट इज व्हाट। ओके, तो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल के बाद में मैं आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताऊंगा मैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद माय फीएनसी ओनली। तो मेरी फीएनसी आपको सबको पता है आजकल अभी कौन सी चल रही है, नंबर वन मेरी चल रही है झील। ओके, सो कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल के पर मत जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल अभी आज तो झील जो मंडे को क्लोज हुआ, जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, 260 है। ये मैंने स्लाइड करीबन 10 दिन पहले बनाया था, तो कैलकुलेशन विल रिमेन द सेम। तो आप ये मान के चलिए झील का करेंट मार्केट प्राइस 270 है और आपने 270 का स्ट्रेडल बेचा है अगले महीने का, नेक्स्ट मंथ का स्ट्रेडल बेच रहे हैं 270 का, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से लेके 42 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 270 की आपने कॉल बेची है और 270 का आपने पुट बेचा है, और आपको 40 से लेके 42 रुपए तक का आपको स्ट्रेडल आराम से आपको बिकेगा। यानी कि जब सितंबर चल रहा था तो अक्टूबर में मिल रहा था, अभी आपका नवंबर जो है अभी 2-4 दिन में लिक्विडिटी आ जाएगा, जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, जस्ट वेट फॉर 2 or 3 और मे बी 4 डे आपको नवंबर का स्ट्रेडल 40 से 42 या 43 रुपए में आपका स्ट्रेडल हो जाएगा। अभी ये तो था प्योर शॉर्ट स्ट्रेडल, अभी हमारे को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सेफ्टी के लिए जाना है, जो कि सोम जी की थ्योरी है, सबकी जो थ्योरी है वो थ्योरी ये बोल रही है कि मेरे को एक इंश्योरेंस भी खरीदना है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या खरीदने वाला हूं, मैं करंट मंथ का मैं 250 की पुट ले रहा हूं और 290 का मैं कॉल खरीद ले रहा हूं 5-5 रुपए में। ओके, क्या मेरे को कोई जना बता सकता है कि अभी मेरी स्ट्रेडल का ब्रेक इवन कितना है, लोअर ब्रेक इवन कितना है और अपर ब्रेक इवन कितना है? वी विल हैव इंटरेक्शन ऑन दिस स्लाइड, तभी हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एंड अपर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द स्ट्रेडल ओनली? 430 310 या करेक्ट 230 310। हाँ, तो 230 मेरा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है और मेरा 310 मेरा अपर ब्रेक इवन पॉइंट है। ये सबको समझ में आ रहा है? 270 में मैंने 20 रुपए कॉल का, 20 रुपए मैंने पुट का, 40 रुपए जोड़ दिया, यानी कि 310 रुपए तक मेरे को ऊपर में प्रॉब्लम नहीं है और 230 रुपए तक मुझे नीचे में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट का भरोसा नहीं है, अब वो 230 से 200 भी जा सकता है और 310 की जगह वो 350 भी जा सकता है, किसी को पता नहीं है, मेरे को किसी को पता नहीं है। तो उसको मैंने करने के लिए मैं जो है करंट मंथ का मैं एक लॉन्ग स्ट्रैंगल खरीद रहा हूँ। मैंने 250 का पुट खरीद रहा हूँ मैं और 290 का मैं 5 रुपए में मैं कॉल खरीद रहा हूँ, यानी कि 10 रुपए मैंने दे दिया कॉल और पुट में। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे तो आप ये देखिए कि मैंने 50% की मेरी ब्रेक इवन के ऊपर मैंने 10 रुपए लगा दिए। मेरा ब्रेक इवन कितना था नीचे वाला, 230, और मैंने 250 का मैंने पुट करंट मंथ का खरीद लिया है।
और ऊपर में जो 310 का था उसकी जगह मैंने 290 50% पे मैंने ₹10 में इंश्योरेंस खरीद रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैंने ये इंश्योरेंस खरीद लिया आई एम टोटली सेफ। ये ही लॉजिक हर आदमी हर स्ट्रेटेजी वाला बताता है। कोई भी आप स्ट्रेटेजी ले लो घूम फिर के, आपका जो स्ट्रेटेजी आता है वो यही आता है कि एक मेरे को थीटा खाना है और एक मेरे को इंश्योरेंस लेना है। अगर आपका जो लॉजिक है वो आपने लगा लिया कि मुझे थीटा कहाँ मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है, वो थीटा मेरे को खाना है और उसको मुझे इंश्योरेंस से मुझे कवर कर लेना है कि अगर एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, नीचे साइड में एक्सीडेंट हो गया, ऊपर साइड में एक्सीडेंट हो गया, मैं कैसे बचाऊंगा। और हम देख रहे हैं कि आजकल तो महीने में कम से कम 10 दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले महीने में एक दिन एक्सीडेंट होता था, आजकल तो हर सेकंड डे एक्सीडेंट हो रहा है। थर्सडे को 1000 पॉइंट नीचे का आपका एक्सीडेंट था, फ्राइडे को 1000 पॉइंट ऊपर का आपका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है मंडे को फिर जो है 700-800 पॉइंट नीचे का एक्सीडेंट हो जाए। तो हमने जो है ये 5-5 रुपए का हमने एक इंश्योरेंस खरीद लिया। ये इसको बोलते हैं हम डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। अब नाउ डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड आप दो तरीका ले सकते हो, या तो आप जो है करंट मंथ का बेचो और अगले महीने वाला या अगले एक्सपायरी का आप उसका स्ट्रेंगल खरीद लो, तो वो एक आपका डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बन गया। दूसरा ये है कि ज्यादा थीटा खाना है तो अगले महीने वाला बेच दिया, करंट महीने वाला ले लिया और बाद में थोड़ा हमने रोल ओवर कर दिया। ये ही एक लॉजिक है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, आप कोई भी ट्रेड ले लो आपको लॉस नहीं होने वाला है। नाउ विल सी, ओके, सो टू ईट थीटा ऑफ ₹40, 40 रुपए का थीटा हम खाना चाहते हैं, 20 रुपए ऊपर में, 20 रुपए 40 में, मैंने 10 रुपए सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी 50% ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। यानी कि 250 पे मैंने 5 रुपए मैंने ओटीएम पुट खरीद लिया और 290 का मैंने जो है 5 रुपए का मैंने कॉल खरीद लिया, 50% मेरी ब्रेक इवन थी। मैं 10 रुपए सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, 40 में से 10 रुपए देने को तैयार हूँ, 30 रुपए बचेगा तब भी मुझे चलेगा। लेट्स सी हाउ नाउ। नाउ अभी आप अज्यूम कीजिए कि आपकी जो प्राइस है वो 300 रुपए पे एक्सपायरी पे हो गई, प्राइस जो है वो आपकी 300 रुपीज पे आपका एक्सपायरी हुआ है, तो आपको कॉल में कितना लॉस हुआ? 10 रुपीज हो रहा है, करेक्ट है ये? 290 में आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 270 में 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 250 में 5 रुपए का लॉस हो रहा है, नेट गेन 10 रुपए हो रहा है। क्या आप ये कैलकुलेशन से एग्री कर रहे हो? जस्ट हैव अ पेपर एंड देन कैलकुलेट। यस यस। नहीं, बाकी लोग भी देखेंगे इसको, क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? प्राइस जो था वो 300 पे क्लोज हो गया, 300 पे क्लोज हो गया तो 270 की कॉल में मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि 270 की मैंने कॉल बेची थी 20 रुपए में, तो 270 प्लस 20 290 और प्राइस हो गई 300 रुपए, तो मेरे को 10 रुपए 270 की कॉल में लॉस हुआ। 290 वाली जो कॉल मैंने खरीदी थी उसमें मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने 5 रुपए में खरीदी थी और 300 रुपए प्राइस चला गया है, तो 300 माइनस 290 10 रुपए और 5 रुपए मेरी कॉस्टिंग थी, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 270 की पुट में मुझे 20 रुपए का पूरा फायदा हो गया क्योंकि मैंने बेची थी, और 250 की पुट जो मैंने खरीदी थी उसमें 5 रुपए का लॉस हो गया, तो नेट गेन मेरा 10 रुपए हुआ। सबको समझ में आ रहा है ये? सर एक क्वेश्चन डाउट है इसके अंदर। हाँ सर, एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। जो आपने बोला प्रॉफिट इन 270 की पुट में 20 रुपए का, 20 रुपए का प्रॉफिट कैसे होगा? ये तो सब नेक्स्ट मंथ की अपन ने सेल की है ना, नेक्स्ट मंथ की सेल की है, तो इसका नेक्स्ट मंथ की नहीं जाएगा। नेक्स्ट मंथ की जो मैंने सेल की है, मैं बोल रहा हूँ 300 रुपए एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ वाली की बात कर रहा हूँ मैं। अगले महीने में जो आपने स्ट्रेडल बेचा था उस दिन एक्सपायरी पे प्राइस 300 रुपए है, तो आपको ये 20 रुपए का जो आपने 270 का जो आपने पुट बेचा था वो पूरा 20 रुपए प्रॉफिट हो गया ना आपका? भाई का सवाल है कि हाँ नहीं, नहीं सर नहीं होगा। क्यों नहीं? इंश्योरेंस तो एक महीने का लिया था। हाँ हाँ भाई, आपने अगले महीने का स्ट्रेडल बेचा है सर, वो आपने नवंबर का या अक्टूबर का, आपने जो है अभी अक्टूबर स्टार्ट, आपने नवंबर का आपने स्ट्रेडल बेचा है 20 रुपए कॉल में और 20 रुपए पुट का, ठीक है, और आपकी जो है 30 नवंबर को आपको एक्सपायरी 300 रुपए पे हुई है। सर मैं यहाँ 2 सेकंड है ना, मैं एक बार है ना, मैं स्टेट को आप इस स्लाइड को हटाएं सर एक बार है ना, आप ऑफिस्टा खोल दें। नहीं नहीं, आप जो आप बता रहे हैं ना, मैं उस लॉजिक पे आ रहा हूँ मैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने करंट मंथ का बेचा है तो अगले महीने में क्या हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं करंट मंथ, मैं बताता हूँ जो आप बनाएंगे ना, खरीदा है। हाँ हाँ,
एक तो करंट मंथ का खरीदा है जो 5-5 रुपए वाले, हाँ, वो अक्टूबर मंथ के हैं, तो those will get settled in October itself. बराबर है, I'm getting your point ना, मैं आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर. अच्छा, अभी मैंने जो कैलकुलेशन आपको ये बताया था वो सिर्फ ये बताया था कि अगर वो 300 रुपए पे नवंबर का क्लोज होता है तो मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. अभी आप इश्यू ये करेंगे कि आपने खरीदा तो आपने था करंट मंथ का और बेचा है आपने नेक्स्ट महीने का, तो दैट मींस कि आपको अगले महीने में आपका पोजिशन अनहेज हो गया है. बराबर है, और दूसरा करंट मंथ जब आपका आने लगेगा, एक्सपायरी पे आने लगेगा, तो या तो हम इसको रोल ओवर कर देंगे, तो रोल ओवर करके जब अगले महीने में चल जाऊंगा तो मेरा 2 या 3 रुपए मुझे और लगने वाले हैं. तो 10 रुपए में अगर आपको एक्चुअली वो जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको रोल ओवर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. जो मैक्सिमम रिस्क है वो करंट मंथ में है, क्योंकि जब करंट मंथ खत्म हो गया और जब आप अगले महीने आप आ रहे हैं तो ऑलरेडी आपका स्टेडल का प्रीमियम 50% कम हो चुका है. कल 40 रुपए से आप ऑलरेडी 20 रुपए पे तो आप आ ही चुके हैं, तो अभी मेरा रिस्क इतना खत्म हो गया है, तो अगर मैं अनहेज भी रहने देता हूं तो मैं काम चला सकता हूं मैं, ठीक है ना. तो मैं आपको ये लॉजिक बताने का कोशिश कर आप बोल रहे हैं सोमजी, यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग? ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूं उसको फिर वापस से. एक मिनट कर गया मेरा कंफ्यूजन. कुंडल साहब गुड मॉर्निंग. या बोलिए. एक क्वेश्चन था कि हमने जो ओरिजिनल भेजे हैं पी एंड सी बोथ वी हैव सोल्ड एट 270, इसमें तो एक आईटीएम होने वाला ही है. हां, हो जाने दीजिए ना, मैंने किया ना आईटीएम उसको. इसके सेवा तो सपोज वी सोल्ड पी एंड सी एट हायर लेवल एंड पी एट लोअर लेवल, तो आईटीएम होने का चांस कम रहेगा. अरे मैं वो बता रहा हूँ, मैं सारे सारे सिनेरियो ले रहा हूँ ना जी आपको. अच्छा, I am taking all the scenario. एक मिनट, ये मेरा फिर से देखिए आप. अभी मैंने एक सिनेरियो लिया था कि सिनेरियो 300 रुपए अगर हो गया एक्सपायरी पे तो मेरे को 10 रुपए का थ्योरिटिकल प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है. नाउ अभी हम दूसरा सिनेरियो देख रहे हैं, 300 रुपए में आईटीएम हो चुका है, 300 रुपए यानी कि मेरा जो कॉल मेरा आईटीएम हो गया था उसमें भी मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. अगर मान लीजिए प्राइस डीप आईटीएम हो गया कॉल साइड में 350 हो गया, तो इवन 350 में भी मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, प्राइस 350 चला गया, मैंने 270 का शटल बेचा है और प्राइस हो गया 350, तब भी मेरे को जो है प्रॉफिट ये 6 रुपए नहीं, ये 5 रुपए है, ये 5 रुपीज है. तब भी जो मेरे को जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे को 10 रुपए तो आपको मुझे मिल ही रहा है. आप थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, मैं लास्ट कंक्लूजन में तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना. 350 प्राइस हो गया, मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. अभी प्राइस 240 हो गया, मान लीजिए, मान लो प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया. ये मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, एक पूरा लॉजिक समझ में आना जाना चाहिए. अगर वो आपका लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन जो होते हैं ना उससे आप बच जाएंगे. दैट इज अबाउट योर टाइम टू अंडरस्टैंड, ठीक है. क्योंकि हो सकता है जी 200 हो जाए, हो सकता है जी 400 हो जाए, इन ऑल सिनेरियोज में मुझे क्या होने वाला है मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी प्राइस 240 रुपए हो गया, तब भी मेरे को 10 रुपए मिल रहा है. प्राइस 200 रुपए गिर गया क्योंकि मैंने हेज लिए हुए थे, प्राइस अगर 200 रुपए गिर गया तब भी मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है. ये तो हो गए आपके 4 सिनेरियो, जब प्राइस बहुत ऊपर चला गया, प्राइस बहुत नीचे चला गया, मेरे को हर सिनेरियो में मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. अभी देखिए, प्राइस आपका 260 तक ही गया, प्राइस जो है आपने 270 का स्ट्रगल बेचा था और प्राइस आपका 260 तक ही एक्सपायरी पे हुआ, आपको नेट गेन हो रहा है 20 रुपए. प्राइस चला गया 270 पे ही आपका बंद हो गया, आपको गेन हो रहा है 30 रुपए. और प्राइस अगर आपका 280 तक गया यानी कि उस रेंज में घूम रहा है 260 270 80, आपका गेन हो रहा है 20 रुपए. अभी लास्ट का जो दो लाइन देखिएगा, प्राइस 290 हो गया तो आपका फिर आपका नेट गेन 10 रुपए हो गया. अभी आपका ये देखिए कि इन सब सिनेरियोस के अंदर आपको 10 रुपए प्रॉफिट तो आपको आ ही रहा है क्योंकि आपने हेज ले लिया था. वो 10 रुपया जो है दैट इज इक्वलेंट टू 30,000 रुपीज. और आपका मार्जिन अगर आप देखो, अगर जाके जिरोधा में या कहीं भी जाके मार्जिन कैलकुलेट करोगे तो आपका मार्जिन आ रहा है 2,30,000. तो 2,30,000 के ऊपर आपको 30,000 रुपए अगर आपको मिल रहा है तो आपका आरओआई होता है 13%.
इन ऑल सिनेरियोज आपको प्रॉफिट आ रहा है, कोई भी चाहे मार्केट 200 पे चले जाए, 150 पे चला जाए, मार्केट 500 पे चला जाए, कुछ भी हो जाए, आपको मिनिमम 10 रुपए तो मिल ही रहा है। और 10 रुपए जब आपको मिल रहा है तो आपको आरओआई आ रहा है 13% का। और अगर आपके आपके सितारे या जो भी आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी है, अगर 270 पे क्लोज हो गया, आपको आरओआई आ रहा है ऑलमोस्ट 30-40%। अब मुझे बताइए कि अगर ये सारी सिनेरियो में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आपने अपना बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, आपने 10 तरह के डिफरेंट ट्रेड ले लिए हैं, आपने एक जी में ले लिया, एक एचडीएफसी बैंक में ले लिया, एक उसमें थोड़ा कम ऊपर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका माइंड पूरा क्लियर है कि यार कहीं भी जाने दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरा जो है 10% का आरओआई मेरे को आने वाला है, और वो ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करोगे तो आपको सेम रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आप यार थीटा खाने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपका सबका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपके सबके दिमाग में ये आ रहा है कि आपने करंट मंथ तो आपने कवर कर लिया, और वो करंट मंथ के बाद में जब करंट मंथ एक्सपायर करके जब आपका नेक्स्ट महीने में जाओगे तो आपकी पोजीशन अनहेज हो गई है। तो उसका लॉजिक ये है कि आपका जो 40 रुपए का जो प्रीमियम था, जो स्ट्रेडल का प्रीमियम था, वो एक महीने के अंदर ऑलरेडी आपका 20 रुपए हो चुका है। यानी कि 20 रुपए तो आपको और एडिशनल कवर मिला हुआ है। तो या तो इसको आप रोल ओवर करके आप 5 रुपए वाले को अगले महीने में रोल ओवर कर दो तो आपको 2 रुपए का और लॉस होगा, या फिर अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। थ्योरी ये बोल रही है, अभी अभी सुनिएगा, मैं एक बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। थ्योरी ये बोल रही है कि इंश्योरेंस जो कॉस्ट होती है वो 30% ऑफ योर प्रॉफिट होती है। एक हमारा थीटा गेनर वाला है, उसने एक एनालिसिस किया है कि अगर आप शॉर्ट स्ट्रगल के अंदर आप कभी भी इंश्योरेंस नहीं लेते हो, मान लीजिए, तो साल के अंदर 5-10 आपके एक्सीडेंट हो गए, लेकिन आपकी जो टोटल जो प्रॉफिट में से आपका 30% आपका इंश्योरेंस खा जाता है। तो अगर आप बहुत एग्रेसिव हो या बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं भी लेते हो तब भी आप काम चला सकते हो, लेकिन 2-4 बार एक्सीडेंट हो जाएंगे, उसमें आपको कभी 10 रुपए या 20 रुपए का लॉस हो सकता है। बट दैट में टोटली जो आपका जो लॉसेज जो आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट जाएगा, लेकिन मैं वो आपको एडवोकेट नहीं करूंगा। अभी आप अपना इंश्योरेंस लेके चलो, दिस इज नॉन एज ए डायगोनल स्प्रेड। अभी मैं इसके आपको रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है? देन वील हैव ओपन की देन वील डिस्कस अबाउट दिस थेर ब्रेड विल डिस्कस कि वेदर यू एग्री यू डोंट एग्री, क्या है क्या नहीं है। मैं सिनेरियो ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को किसी भी सिनेरियो में लॉस ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, देन आई कैन लिव पीसफुली। मैंने ट्रेड ले लिया महीने के शुरू में, मैं अपना ऑफिस चला गया, अपना बिजनेस करता रह रहा हूँ, महीने के एंड में आके मैं देख लूंगा क्या पोजीशन है, अपना पैसा लेके बैठ जाऊंगा, मेरा आरओआई मेरे को 5-10% का आ गया, आई एम हैप्पी। नाउ लेट अस सी अबाउट द रूल्स एंड देन वी डिस्कस, ओके? तो इसका रूल जो बोलता है वो ये बोलता है कि व्हेन यू इनिशिएटेड शॉर्ट स्ट्रगल, जोशी जी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, व्हेन यू इनिशिएटेड शॉर्ट स्ट्रगल दैट इज शॉर्ट एटीएम कॉल एंड शॉर्ट एटीएम पुट विद 10-12% प्रीमियम ऑन सीएमपी, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस में अगर 10-12% का अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है, वो शॉर्ट स्ट्रगल कर रहे हो, और वो आपको करना है 40-50 दिन बिफोर एक्सपायरी आपको करना है, ठीक है? तो आपका 40-50% इरोजन जो थीटा की वजह से आपको 20-25 दिन में हो जाता है, जो 42 रुपए वाला जो आपने जैसे इसमें लिया था या टाटा पावर में ले लो या किसी में भी ले लो, आपको करीबन जो है 40% के आसपास इरोजन आपका 20-25 दिन में हो जाएगा, और 60-70% आपका 30-35 दिन में आपका इरोजन हो जाता है शॉर्ट स्ट्रगल के अंदर, ठीक है? अभी टारगेट हमारा क्या है, टारगेट टू एग्जिट और रोल ओवर जो है हमको 10-10 days बिफोर एक्सपायरी 75% कंबाइंड प्रॉफिट, यानी कि जिस इस शॉर्ट स्ट्रगल में 7-10 दिन के पहले अगर मुझे 75% प्रॉफिट आ जा रहा है, मैं कंप्लीटली एग्जिट कर जाऊंगा या मैं रोल ओवर कर दूंगा, दैट इज माय टारगेट, ओके? नाउ शॉर्ट स्ट्रगल हैज अ बिगेस्ट रिस्क ऑफ स्टॉक मूविंग बियॉन्ड एलबीपी एंड यूबीपी। ये सबसे बड़ा रिस्क है, सारी बुक्स में ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सब जगह आपको यही बताएंगे कि भाई आपने शॉर्ट स्ट्रगल कर लिया, अगर आपका वो लोअर ब्रेक इवन को क्रॉस कर गया आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। थ्योरी बिल्कुल सही है लेकिन रियलिटी एंटायरली डिफरेंट है, ओके? लेकिन अगर अपन ये मान के चले कि हाँ यार रिस्क है तो हम क्या करेंगे, तो वी विल बाय इंश्योरेंस एट 25% कॉस्ट ऑफ स्ट्रगल एट 50% ऑफ एलबीपी एंड यूबीपी रेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 40 रुपए का स्ट्रगल किया है तो मैं इंश्योरेंस जो है मैं 10 रुपए देने को तैयार हूँ। अगर मैं निफ्टी में करूँ, बैंक निफ्टी मैंने जैसे मान लो नवंबर की बेची और मैंने अक्टूबर का जो है या वीकली वाला किया और मेरी टोटल कॉस्ट अगर 25% आ रही है इंश्योरेंस की, तो मैं आई विल बाय द इंश्योरेंस। और मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करूंगा, आई विल टेक 50% ऑफ एलबीपी। मैं पूरा नीचे जाके नहीं लूंगा, नीचे जाके अगर मैं लूंगा एलबीपी तो मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट 10% ही आ जाएगी।
मैं थोड़ा सा और देने को तैयार हूँ मार्केट को, तो मैं 25% में इंश्योरेंस खरीदने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि अगर 75% भी बचा तो विच विल गिव मी 10% ROI, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए अगर मुझे 10% ROI मिल जा रहा है 25% देने से, हो सकता है मैं 10% से मुझे ज्यादा आ जाए, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। तो मैंने 50% यानी कि 270 का अगर मैंने जी बेचा है, स्ट्रगल किया है, तो मैं 290 का और 250 का मैं जो है स्ट्रेंगल खरीद लूंगा मैं, तो वो मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई, वो मैं बियर करने को तैयार हूँ, बिकॉज कि हर आदमी बोलता है यार बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो मैंने ले लिया। ओके नाउ तो बाय करंट मंथ OTM स्ट्रेंगल टू हेज नेक्स्ट मंथ शॉर्ट स्ट्रगल, दिस इज योर डायगोनल करंट स्प्रेड, चाहे आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, स्टॉक में करो, लॉजिक प्रिंसिपल रिमेन द सेम। अगर आपको ये एक प्रिंसिपल समझ में आ गया, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी अपने को लेके चलना है और कुछ काम नहीं करना है, दिस वन स्ट्रेटेजी विल गिव यू एनफ मनी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो इसमें क्या कर, अच्छा देन क्या होगा, जो 50% का जो प्रीमियम डिके हो जा रहा है आपका शॉर्ट स्ट्रगल में, इट मे नॉट रिक्वायर एनी हेज आफ्टर 22-25 डेज। अगर आपको फिर भी अगर बहुत कंजर्वेटिव चलना है तो रोल ओवर कर लो उसको, 30 दिन के बाद में उसको रोल ओवर कर, अगले महीने में चले जाओ, एडिशनल आपको 5% कॉस्ट ओवर लग सकता है, 30% लग गया, तब भी आपको 70% बचने वाला है। सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द थिंग। अब मैं आपको कोई ट्रेड बता रहा हूँ और आप उसको आंख बंद करके ट्रेड ले ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आपको उसका लॉजिक समझना पड़ेगा, आपको उसका फायर फाइटिंग समझना पड़ेगा। तो दीज आर ऑल द फायर फाइटिंग स्टेप्स है ये। अच्छा, एज द शॉर्ट एंगल इज हेज्ड, देयर विल बी सिग्निफिकेंट मार्जिन बेनिफिट टू गेट एक्सीलेंट ROI। ये एक अगेन बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर आपने मान लीजिए सिंपल शॉर्ट स्ट्रगल किया, मान लीजिए जी के अंदर, तो आपको करीबन लगेगा 5 से 6 लाख रुपए आपको मार्जिन लगने वाला है, ठीक है। और अगर आपने ये हेज कर दिया तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाता है 2.3 लाख। तो 2.3 लाख के ऊपर, यानी कि ओनली 25% कॉस्ट आपने इंश्योरेंस का लेने के बाद में आपका ROI देखोगे तो ज्यादा आएगा। मतलब कि शॉर्ट स्ट्रगल के ROI से डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड का स्प्रेड आपको काफी ज्यादा मिलेगा और शांति भी मिलेगी आपको, यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड बिकॉज आपके पास इंश्योरेंस है और आपका ROI भी ज्यादा आ गया है। तो फिर आप शॉर्ट स्ट्रगल क्यों करोगे, आप डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड करोगे। और वही सोम जी बोल रहे हैं, वही नीरज बोल रहा है, वही आपको अभिनव बोलता है, सब यही बोल रहे हैं कि आप स्प्रेड करो आप, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये आज मैंने उसको कॉन्सेप्ट आपको समझाने का कोशिश किया है कि आप उसको हेज कर लो। आप जिंदगी के अंदर ये एक प्रिंसिपल मान लो कि मैं कभी भी कोई ट्रेड लूंगा तो मैं हेज जरूर करूंगा मैं। तो हेज का दो बेनिफिट है, नंबर एक इंश्योरेंस हो गया तो आपको पीस ऑफ माइंड हो गया, नंबर टू आपका ROI विल बी मच मच बेटर, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट आपको सेबी दे रहा है। अभी मार्जिन बेनिफिट इज ऑलमोस्ट 60-70% का मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, 5 लाख की जगह 2 लाख रुपए आपको मार्जिन लगने वाला है, तो आपका ROI एकदम से बढ़ जाएगा। ओके नाउ नेवर गेट पैनिक इन क्रैश और रैली। कभी भी मार्केट 5000 पॉइंट गिर जाए, 5000 पॉइंट ऊपर चल जाए, आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। Your continuous theta decay will till expiry will take care of most of any crash or rally. जी 200 रुपए पे आ जाए, अभी 240 आ गया था 270 से, हो सकता 300 रुपए चले जाए, कोई चिंता नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लो, क्योंकि जो थीटा डिके जो है ना, जो एवरी डे जो थोड़ा 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 जो थीटा डिके होता जा रहा है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। तो मंथ एंड तक वो आपका कोई भी क्रैश आ गया, रैली हो गई, इट विल टेक केयर। And remember, there will be many up and downs in 40-55 days. ऐसा नहीं है कि एक दिन ही क्रैश आके मार्केट वो क्रैश होके बैठ जाएगा। वो 50 दिन का जो टाइम है, अगर आपने नवंबर का शेड्यूल किया है, कम से कम 10 बार आपको ऊपर नीचे के मौके मिलेंगे। कभी भी 50% प्रॉफिट में निकल जाओ, 60% प्रॉफिट में निकल जाओ, इतने सारे आपको मौके मिलेंगे। बस आपका पोजिशन हेज है, आपका माइंड बिल्कुल कंट्रोल रहना चाहिए। जो मैंने बताया था सबकॉन्शियस माइंड में आपका ये स्ट्रेटेजी चलते रहना चाहिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अभी एक और अगर आपको इसमें थोड़ा तड़का लगाना है, जो मैंने आपको बोला था कि तड़का कैसे लगाते हैं, तो बाय फ्यूचर एट मेजर रेजिस्टेंस एंड सेल एट रेजिस्टेंस। मतलब फ्यूचर को आप सपोर्ट पे खरीदोगे और रेजिस्टेंस पे बाय करोगे। अभी आप बोलोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कौन सा लूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट वाला नहीं लेने वाला हूं। जो आप बाजार में या जो आपके जो जितने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो सपोर्ट क्या बोलते हैं कि भाई पिछले एक महीने के अंदर जहां भी वो शेयर सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो सपोर्ट हो गया, और जो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है वो रेजिस्टेंस हो गया। हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। मैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा कि 50% जो LBP प्राइस है वो मेरा पहला सपोर्ट है, और 100% जो LBP है वो मेरा दूसरा सपोर्ट है। सिंपल लॉजिक।
यानी कि अगर मैंने 270 का शेड्यूल किया है तो 250 रुपए मेरा पहला सपोर्ट है और 230 रुपए मेरा दूसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मेरा पहला रेजिस्टेंस मेरा 290 रुपए है और दूसरा रेजिस्टेंस मेरा 310 है। अगर आपको एक भी पेयर ऐसा मिल गया कि आपने फ्यूचर आपने ले लिया 250 के ऊपर और उसको आपने बेचा अगर मान लो 290 पे ऊपर, 40 × 3000 120000 का आपको फायदा हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर है आपको सेलेक्टिव करके लेना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी फ्यूचर ले लिया और उसको बेचा 2 रुपए 3 रुपए के लिए, नहीं, आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर ये फ्यूचर अपने रजिस्ट्रेंस से लोगे, क्योंकि आपका जो सपोर्ट और रजिस्ट्रेंस होगा वो मार्केट के हिसाब से नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, आपके अपने थ्योरी से चल रहे हो, दैट विल गिव अ सिग्निफिकेंटली मोर प्रॉफिट। और जो अगर आपने लॉन्ग फ्यूचर ले लिया तो ये आपको अगर वो सी कभी आपका आईटीएम हो गया तो वहां भी आपको प्रॉफिट करेगा। और जो एसएस का जो प्रीमियम है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो 40 रुपए का जो मुझे प्रीमियम मिला हुआ, वो मेरे को जबरदस्त लीवरेज देता है, पावर देता है मेरे को फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। आप अगर फ्यूचर में नहीं भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, बस ये ले लो कि जब बहुत गिर जाके वो मेरा सपोर्ट पे आ रहा, मेरे अपने सपोर्ट पे आ रहा, मैं फ्यूचर खरीद लूंगा, और जब बहुत ऊपर जा रहा होगा मैं बेच दूंगा। इवन एक भी पेयर मिल गया ना तो आपको 1 लाख रुपए मिल गया। नाउ इफ देयर इज अ मेजर क्रैश, ये अगेन एक स्टेप बता रहा हूँ, इफ देयर इज अ मेजर क्रैश, मार्केट 3000 पॉइंट गिर गया, जी आपका 3000 मान लो, जी आपका 150 रुपए पे आ गया, आज 270 चल रहा है, 150 रुपए आ गया, किसी को पता नहीं, आगे आ जाने दो 150। अगर वो 150 रुपए आ जाता है, सारी पोजीशन को स्क्वायर कर दो आप, आपको उसमें भी 10 रुपए का फायदा होने वाला, जो अपन ने पहले कैलकुलेट किया था। बट उस वाले केस में सबको स्क्वायर करना है, अपने को सीधा सीधा स्टॉक आपको खरीद लेना है, दैट विल बी फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इट इज बाई चॉइस नॉट बाई कंपल्शन। जब आप शॉर्ट स्ट्रगल करते हो, नेकेड शॉर्ट स्ट्रगल करते हो, या जब आप सीएसपी करते हो, तो इट बिकम योर कंपल्शन कि आपको वो स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डायगोनल स्प्रेड किया तो आप अगर स्टॉक खरीदोगे तो इट इज बाई चॉइस, आपका मर्जी हो तो खरीदो, मर्जी हो तो ना खरीदो, क्यों, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट तो वैसे भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि जी 150 रुपए पे आ गया है तो आप चाहो एक लॉन्ग फ्यूचर ले लो। जी अगर 150 रुपए मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नींदों में भी मैं 150 रुपए में मैं फ्यूचर उठा लूंगा, यार क्या होने वाला है। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको डायगोनल स्प्रेड में मिलेगी, या आपको शॉर्ट स्ट्रेड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, देन एक रूल है कि नेवर बुक प्रॉफिट इन 1 लाख। आपको बहुत टेम्पटेशन आएंगे कि यार चलो अभी मेरा जो शॉर्ट सेल में एक मेरे को लोग में 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को पी में नुकसान हो रहा है, चलो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। आपको कभी भी ये नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको रोल ओवर करना ही करना है, जो आपको शर्मा जी भी हर बार बता रहे हैं। अगर आप, क्योंकि आपको सदा मिड पॉइंट में रहना है, तो अगर आप किसी में प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो उसको मूव करके आपको या तो आप एडिशनल कॉल बेचो या उसको रोल ओवर करके सेंटर पॉइंट के अंदर आओ। लेकिन ये नहीं कि एक लेग में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे को आपने जो है अनकवर छोड़ दिया। जैसे ही आपने वो किया तो आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हो, तो वो अपने को नहीं करना। एंड अगर प्रीमियम अगर आपका 25% तक आ गया, जैसे आपने 20 रुपए का बेचा था और 5 रुपए का उसका प्रीमियम आ गया है, तो उसको रोल ओवर कर लो या उसको आप जो है प्रॉफिट बुक करो, फिर उसके बाला भेजो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो यू कैन हैव अ रोल अप, यू कैन हैव अ रोल डाउन, यू कैन सेल एडिशनल कॉल्स, एडिशनल पुट्स ओनली इन विनिंग साइड टू गेट एडिशनल प्रॉफिट। ये आपका एक और ऊपर वाला एडवांस वाला है। लेकिन अगर आप प्योर अगर डायगोनल स्प्रेड भी करेंगे, आपको बढ़िया से पैसा आने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी में भी करो, फिर बता रहा हूं मैं, किसी भी स्टॉक में करो, बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, लॉजिक रिमेन द सेम, कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। नाउ आई एम ओपनिंग द डिस्कशन टू यू, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। दिस वॉज अबाउट द डायगोनल स्प्रेड। जैसे मैंने बताया, डायगोनल स्प्रेड आप दो तरीके कर सकते हो, करंट महीने का बेचो, अगले महीने का आप उसका इंश्योरेंस ले लो, या पहले महीने का आप जो है खरीदो और अगले महीने का आप जो है बेचो। इस वाले में क्या है, आपको थीटा बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो ये आपके ऊपर है आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड करना है, बट इसका कोई मुकाबला नहीं है। दिस वन स्ट्रेटेजी इज एनफ, इसको पकड़ के बैठ जाओ, आपको 5 से 10% महीने का आपको रिटर्न आने वाला है। नाउ इज ओपन टू यू, वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दिस। या आई हैव अ क्वेश्चन कोठारी जी, मतलब इट्स अ वेल्थ और स्ट्रेटेजी। आप इसी स्ट्रेटेजी में इस महीने की एक्सपायरी, मतलब आपने नवंबर का शॉर्ट किया है और एज ए इंश्योरेंस अक्टूबर का आपने लॉन्ग किया है, करेक्ट? बराबर, राइट राइट। अब आप अक्टूबर की एक्सपायरी 320 पे करके देखिए, 310 पे। हाँ, कोई बात नहीं, सिचुएशन देखिए। तो आप अगर 320 पे करेंगे,
अरे मतलब बहुत अच्छा है, अगर मान लो 320 पे चला गया अगले ये महीने में, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आप एग्जिट थोड़ी ना कर रहे हो, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ अपना लॉन्ग वाला देखो, जो जो आपके शॉर्ट वाला है शॉर्ट वाले को देखो कि मुझे उसको रोल ओवर या रोल डाउन करना है नहीं करना है। जो आपकी लॉन्ग आपने स्ट्रगल जो लॉन्ग स्ट्रगल किया है उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा होगा क्योंकि आपका एक ऊपर चला गया है। करेक्ट करेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। शर्मा जी मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आपने लॉन्ग स्ट्रगल किया हुआ है, प्राइस 320 चला गया, ठीक है, आपका स्ट्रगल को तो कोई फर्क नहीं है, दो स्ट्रगल तो आपके दो दो कॉर्नर वाले हैं, आपको 40 रुपए मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को कवर करने का। कॉल वाला खा, 40 पे कॉल वाला खा जाएगा ना पैसे? अरे बाबा खा जाएगा, लेकिन अभी एक महीने का टाइम अभी और है ना अपने पास, टेंशन नहीं लेना है। उस समय फिर दोबारा पैराशूट लगा सकते हैं बीच में कोई। हाँ वो उसको थोड़ा फिर अगर रोल ओवर कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली थीटा तो आपके फेवर में जाना ही जाना है ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ये अभी वो जी 400 रुपए चला जाए, मुझे तो नवंबर में देखना है कि नवंबर में जी क्या रहने वाला है, और उसकी मैंने कैलकुलेशन आपको दिखा दी सारी की सारी, 200 से लेके मैंने 350 की आपको कैलकुलेशन दिखाई है, हर एक में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है कम से कम। अब वो 10 रुपए का प्रॉफिट इज इक्वलेंट टू योर 12% आरओआई, और मुझे क्या चाहिए? और अगर कहीं मुझे 20 रुपए 30 रुपए मिल गया तो मेरा आरओआई हो जा रहा 30%। तो मेरा बिजनेस प्लान तैयार है, मेरी मेरा जो सारा जो होता है रिस्क मिटिगेशन तैयार है, मेरा फायर फाइटिंग मेरा तैयार है, तो मेरे को पीस ऑफ माइंड है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी जैसे हमको 4-5 बजे जी के पर लोगों के मैसेज आए, अरे वो जी जो है 240 रुपए गिर गया, हमारे को 50,000 का लॉस आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया यार, अभी तो 3 दिन ही हुआ है, अभी तो 47 दिन बचा हुआ है, और देखिए 3 दिन के अंदर जी वापस 240 से 260 आ गया। हो सकता है अभी 260 से 300 चला जाए, हो सकता है वो 200 रुपए जमा, जो हो रहा है होने तो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा इंश्योरेंस मेरे साथ में है और मेरा शॉर्ट स्ट्रगल मेरे साथ में है। आपको पैसा मिलेगा, आपको नहीं ट्रेड लेना है, आप पेपर ट्रेड करके देखो, एक में नहीं 4 में 5 में देखो, आप 4-5 अपना पोजीशन लेके आप पेपर ट्रेड करके देख लो, बैक टेस्टिंग करके देख लो, आपको देखोगे कि आपको पैसा शांति से आपको आ रहा है। और हमें क्या चाहिए? मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी मास्टरी नहीं है, उसके लिए अपने सोम जी है, बाकी लोग हैं, बट द प्रिंसिपल रिमेन द सेम। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लॉजिक रिमेन द सेम। आप नवंबर का आप निफ्टी बेचो, आप देखो एक मिनट है, आप नवंबर का अभी आप कैलकुलेट करके देख लो, नवंबर का आप शॉर्ट सेल करो, और अक्टूबर का या तो वीकली वाला या मंथली वाला आप जो है आप अपना लॉन्ग स्ट्रगल खरीद लो आप, और हर वीक उसको रोल ओवर करते चलो, आपको नेट नेट में आपको 50% आपको स्ट्रगल में प्रॉफिट आएगा ही आएगा। और क्या चाहिए आपको? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पक्का पैसा मिलेगा। तो फिर क्या करना है? फिर क्यों अपने को बीपी बढ़ाना है? क्यों अपने को टेंशन लेना है? नीरज जी अगर आपको शांति से पैसा आ रहा है तो ले ना यार। कोठारी जी बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेल एक्सप्लेन सर। सर, हाँ, सर जैसे मैंने मेरे पास तो डिलीवरी है, मतलब एक लॉट की 3,000 शेयर की, और मैंने उसको कॉल को सेल कर रखा है, कॉल को शॉर्ट किया हुआ, राइट, मतलब कवर्ड कॉल जिसको बोलते हैं। अभी उसके साथ ये स्ट्रेडल कर सकते हैं क्या नेक्स्ट मंथ का? नहीं, वो पूरा पोजीशन देखना पड़ेगा, ऐसे ऑफ द हैंड नहीं बता सकता मैं, यू टेल मी कि क्या है आपका। क्योंकि कवर्ड कॉल में अभी प्रॉफिट है, अक्टूबर का कॉल है, कवर्ड 28 9 वाला कॉल है। हम लोग और कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है। पहले अपन ये शॉर्ट स्ट्रगल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है ना? तो मैं आपको कवर्ड कॉल का मैंने एडवांस जो बताया वो अभी मैं नेक्स्ट में आ रहा हूँ, कैसे कवर्ड कॉल अपने करना चाहिए। क्या जोशी जी आप बोलिए। हाँ कोठारी सर, ये बीच में डिस्क जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो मेरा ये सवाल है कि ये जो आपने रोल ओवर करेंगे बताया था, तो बेसिकली रोल ओवर का पर्पस क्या रहेगा? नहीं, रोल ओवर का हमारा दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस तो हमारा ये है कि मैं एडिशनल क्रेडिट खा लूं। हाँ, एडिशनल क्रेडिट खा लूं, यानी कि जैसे कि मान लो मैंने 270 का मैंने अगर कॉल बेचा हुआ है, मान लो 270 का मैंने कॉल बेचा 20 रुपए में, ठीक है, और प्राइस आ गया 230 रुपए। 270 का कॉल बेचा हुआ है 20 रुपए में और प्राइस आ गया 230 रुपए, तो उस वाले केस में क्या है कि आप 270 वाली कॉल को रोल डाउन करके 250 पे आ सकते हो आप, यानी कि 270 में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और 250 पे आ गए तो आप सेंटर पॉइंट पे आगे फिर खड़े हो गए आप, क्योंकि प्राइस 230 पे आ गया था, ठीक है ना? तो आप सेंटर की तरफ मूव हो गए, तो आपने वहां पे 10 रुपए वहां से निकाल लिया ऑलरेडी,
और स्टिल आप जो है मार्केट में खड़े हो क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस आपके पास रखा हुआ है, तो उसको अपन कहते हैं रोल अप रोल डाउन। एक दूसरा रोल अप क्या है, रोल डाउन क्या है कि आपने जो लॉन्ग स्ट्रंगल खरीदा हुआ है 5-5 रुपए में, जो इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, तो वो जो इंश्योरेंस की वैल्यू लास्ट वीक में 2 रुपए रह जाएगी। मतलब जैसे ही आपका अक्टूबर खत्म होने लगेगा, जो 5 रुपए वाला है वो करीबन आपको 2-3 रुपए आपको फिर भी मिल रहे होंगे, तो आप उस समय इसको रोल ओवर करके अगले महीने में चले जाओ, तो आपका 2 रुपए की कॉस्टिंग और आ जाएगी, बट देन अगेन योर नेक्स्ट मंथ इज प्रोटेक्टेड। तो ये दो तरह के रोल ओवर है, लॉन्ग वाला रोल ओवर कर रहे हो या शॉर्ट वाला रोल ओवर कर रहे हो। तो ये थोड़ा ये फायर फाइटिंग वाली चीज है, वो अपने को समझना पड़ेगा। इसलिए कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो तो ब्लाइंडली मत ले, आप उसको कॉन्सेप्ट को समझो, आप उसका लॉजिक समझो, उसका फायर फाइटिंग समझो, एडजस्टमेंट सपोर्ट, तभी आप जो है पैसा बना पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। लेकिन मेरा जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको महीने के शुरू में प्लानिंग करना है कि मेरे को कितने शॉर्ट सेल करने हैं, मेरे पास मार्जिन कितना अवेलेबल है, मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है। आप जब तक ये प्लानिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वी आर अ वेरी गुड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, सब लोग वी आर वेरी गुड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, एंड हम लोग एक्सपर्ट हैं इन मेकिंग द रिस्क मिटिगेशन प्लान, बिजनेस प्लान फॉर अवर कंपनी, बट अपने खुद के बिजनेस के लिए हम कोई प्लान नहीं करते। हम हवा में चलते रहते हैं, ये ट्रेड ले लिया, वो ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट आ गया तो ठीक, लॉस आ गया तो ठीक, वैसे चलते हैं। अरे आप अपना भी प्लान करो ना सर। फैक्ट तो ये है कि जब हम कॉर्पोरेट में काम करते थे, वहां पे भी कोई भी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज में बिजनेस प्लान से ही आगे बढ़ते थे, बगैर उसके बढ़ते ही थे, लेकिन हम अपने लिए शायद यूज नहीं किया। मैं तो वही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप या मैं कर रहा हूँ, 99% रिटेलर ये मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बिजनेस प्लान नहीं है। नीरज ने स्ट्रेटेजी बता दिया वो ले लिया, सोम जी ने बता दिया वो ले लिया, मैंने बताया वो ले लिया। अरे भैया इसका पहले लॉजिक तो सीखो, ये तो देखो मुझे कितना पैसा इसमें से निकालना है, और उतना पैसा आया कि नहीं आया, और अगर आया तो मुझे आगे मैं रिपीट करूं या ना करूं। भाई जैसे अगर आपने मान लो 4 में किया और आपने देखा यार इस महीने का मेरा रिटर्न तो 4% का आ गया, दैट मीन माय स्ट्रेटेजी इज गुड, तो मैं अगले महीने में थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा। अभी हम लोग क्या वो भाग्य पे है कि यार इस बार 4% आ गया, किस्मत अच्छी थी, अगले महीने नहीं आया, किस्मत खराब थी। किस्मत इसमें कुछ नहीं होती है, ये सब आपका अपना बिजनेस प्लान है। अगर आपने प्लान बनाया, जनरली लोग क्या कर रहे हैं सर, जनरली लोग ये कर रहे हैं कि पहला ट्रेड सोम जी ने दे दिया तो सोम जी का ले लिया, फिर 15 मिनट बाद नीरज जी का ले लिया तो वो भी ले लिया, फिर कोठारी जी ने कोई मैसेज डाल दिया तो वो भी ट्रेड ले लिया, फिर बाद में बोलते हैं ये आप जो 270 का जो रोल ओवर बोल रहे हैं वो टाइम, अगर 270 का रोल ओवर नहीं, कौन सा शॉर्ट वाले का कर रहे हो, लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले, शॉर्ट स्ट्रैंगल का At the time of rollover, short straddle का जो भी rollover करना है, तो at that time जो price रहेगा, वो price के हिसाब से rollover करना है, या we have to stick to the original strike price? This is number one question. Second question is that जो long strangle है, नहीं नहीं मुझे पहले ये वाला जवाब देने को पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे। भाई पहले वाले क्वेश्चन में द रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी आप rollover करते हो या रोल अप करते हो, द बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको एडिशनल क्रेडिट मिलना चाहिए। बेसिक रूल तो ये बोलता है, अगर आप 270 से 260 पे आ रहे हो या 270 से 280 पे जा रहे हो, आपको ये देखना है कि आपको एडिशनल क्रेडिट मिला या नहीं मिला है, तभी अपने को रोल ओवर करना है, नहीं तुमको रोल ओवर नहीं करना है, ठीक है। अभी आपका प्राइस 230 आ गया था और आप देख रहे हो मुझे 270 से अगर मैं 260 पे जाता हूं मैं, तो मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ले लूंगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग स्ट्रंगल की बात करेंगे, तो लॉन्ग स्ट्रंगल पे मैंने वो इंश्योरेंस कॉस्ट लिया है, और इंश्योरेंस कॉस्ट से अगर मैं जैसे रोल अप दूसरे महीने में जा रहा हूँ, तो अगर मुझे 1-2 रुपए का लॉस हो रहा है तो मुझे चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं फिर जाके 10 रुपए दे रहा हूँ मैं। तो वी हैव टू सी कि अपने को कितना क्रेडिट डेबिट आ रहा है, दैट अपने को खुद को लॉजिक लगाना है, वो आपको कोई आके बताएगा नहीं उस समय, आपको अपना दिमाग लगाना है, उसके हिसाब से आपको लेना है, और ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, ये आपको कोई बता नहीं पाएगा। मैं ट्रेड दे दूंगा, सोम जी ट्रेड दे देंगे, कोई भी ट्रेड दे देगा, लेकिन ये हैंड होल्डिंग, यहाँ वाली हैंड होल्डिंग नहीं हो पाती है, वो आपको ही
सीखना है और आपको ही समझना है, तभी आप कर पाओगे, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। सर ये एक्चुअली सब्जेक्टिव है कि क्या करना है, लेकिन सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लेकिन प्रिंसिपल ये है कि एडिशनल क्रेडिट मिलना चाहिए। या लेकिन आपने जो पहला अपना शॉर्ट स्ट्रैडल अपना शॉर्ट स्ट्रैडल किया था, तो उतना ही प्रीमियम के हिसाब से वी हैव टू कैलकुलेट कि वी हैव टू कंसीडर कि लोअर थोड़ा सा अभी आपको 40 मिल रहा है। मैं प्रेफर करूंगा, मैं कुछ ना करूं, आई विल प्रीफर, आई विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मुझे 40 रुपए मिला हुआ है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो 10 रुपए चला जाए, या मुझे लालच नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं सुनिए सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो सारी कैलकुलेशन थी वो मेरी 40 रुपए पे चल रही है, अगर मैंने बीच में थोड़ा करने के किया तो फिर मेरे सारे एडजस्टमेंट थोड़े बिगड़ जाते हैं, फिर मुझे सारे ब्रेक इवन वापस से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो करो, नहीं तो उसको रहने दो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, आप उसको छोड़ दो। आप पर आपने इंश्योरेंस बाय करके हेज कर लिया, हमने रिस्क मिटिगेट कर लिया, उसके बाद फायर फाइटिंग की थोड़ी जरूरत पड़ने की नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी ना, वही तो बता रहा हूँ, वो जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे लालच आ जाए, खुजली होने लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन न करो तो भी चलेगा, न करो तब भी चलेगा, क्योंकि आपके चारों लेग बिल्कुल फुली प्रोटेक्टेड है, आपके आप निफ्टी में बनाओ, बैंक निफ्टी में बनाओ, सिंपल लॉजिक है, नवंबर का बेचना है, अक्टूबर का खरीदना है, वीकली ले लो, 15 दिन वाला ले लो, महीने वाला देख लो, बस कुछ नहीं करना है। कितने ही लोगों ने ये ट्रेड लिया हुआ है, दिसंबर के ट्रेड लिए हुए हैं, दे आर इन प्रॉफिट। आज एक मैसेज आया मॉर्निंग के अंदर सम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ही वाज टेलिंग कि मुझे दिसंबर का मैंने स्ट्रगल किया हुआ है और मैं 15,000 का प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा रिस्की है ये, थोड़ा इंश्योरेंस लेके चलो, क्योंकि अभी आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो एक्सीडेंट में हो सकता है 4,000 पॉइंट नीचे चला जाए, 4,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो थोड़ा रिस्की है। तो अपन जो है या तो वीकली का खरीदकर एक कॉन्सेप्ट समझो आप, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो पे ऑफ चार्ट का कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ किसी का कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, भाई मेरा लॉजिक है, और लॉजिक ये बोल रहा है कि मैं थीटा खाने वाला हूँ, मुझे थीटा खाना है और मुझे कुछ नहीं खाना है, सारी दुनिया ये बोल रही है कि थीटा खाना है, तो थीटा आपको कम मिलेगा, अगले महीने का बेचूंगा, ये महीने का मैं जो है छोटा सा इंश्योरेंस ले लूंगा, और इंश्योरेंस मैं दूर वाला लूंगा, बस दैट्स ऑल। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, कुछ भी काम करो आपको प्रॉफिट आएगा। सॉरी सर, एक डाउट है। सर सोचिए, अभी ये अक्टूबर का हमने इंश्योरेंस लिया है 5-5 रुपए का, बराबर ना? सर सोचिए, ये अक्टूबर एक्सपायरी में मेरा जील का प्राइस है 250, तो मेरा सी बाई का भी प्रीमियम चला गया। देखो देखिए, पहले तो ये समझिए, पहले तो ये समझिए, एक मिनट, ये मैं यह बोल रहा हूँ, पहले ये समझिए कि मैंने ये इंश्योरेंस लिया था, वो इंश्योरेंस मैंने इसलिए लिया था कि कहीं वो जी 200 रुपए या 400 रुपए ना हो जाए, ठीक है सर? नवंबर फर्स्ट वीक में अगर 200 रुपए हो गया मेरा फर्स्ट, भाई तब तक तो मेरे को तो फिर आप रोल ओवर कर दो ना अपना, आपका जो 10 रुपए वाला जो कॉस्ट लगा था इंश्योरेंस का, वो रोल ओवर पे आपको 12 रुपए में आराम से हो जाने वाला है, टोटल कॉस्ट में 13 रुपए में हो जाने वाला है, इसमें कुछ मिलेगा और उसमें कुछ एडिशनल लग जाएगा। उस टाइम पे अगर अक्टूबर एक्सपायरी में मेरा प्राइस है 250, उस टाइम पे मैं अगर नेक्स्ट मंथ का अगर इंश्योरेंस बाई करने जाऊंगा तो कौन सा स्ट्राइक का मतलब कितना प्राइस वेरिएशन में मुझे लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपायरी तक वेट नहीं कर रहे हो, आप 4-5 दिन पहले ही आप रोल ओवर कर दोगे आप, तो आपको 3-4 रुपए मिल जाएगा, और अगले महीने वाला जो है आपका फिर 10 रुपए में भी लिया तो नेट नेट आपको 13-14 रुपए में मिल जाएगा, दोनों मिलकर हो जाने चाहिए। सर उस टाइम पे हो जाने दो ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, हो जाने दो, 400 रुपए हो जाने दो अगले महीने में, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं सर, उस टाइम पे 10 रुपए मतलब 5 रुपए वाला रहेगा 230 और 270 का। हाँ, 5 रुपए वाला प्रीमियम रहेगा 230 और 270 का, बराबर। तो आपका लोअर साइड में तो फिर अपर साइड में तो मार्जिन निकल गया ना। अरे लेकिन आपने
भाई सवाल है, आपने दिए तो 5-5 रुपए थे, आपने इंश्योरेंस कितना दिया था? 10 रुपए आपने इंश्योरेंस दिया था, तो आपको मैक्सिमम लॉस 10 रुपए का हो सकता है। अभी आप बोल रहे हो प्राइस जो है नवंबर में 400 रुपए हो गया, अक्टूबर में 400 रुपए हो गया, ठीक है, तो आपको नेट नेट जो लॉस होगा वो करीबन आपको 5 रुपए का होने वाला है, क्योंकि एक में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, एक में आपको जीरो होने वाला है, क्यों? आपने लॉन्ग हो, आप शॉर्ट नहीं हो, आप स्ट्रेंगल में लॉन्ग हो आप, तो आपका कॉल जीरो हो जाएगा या पुट जीरो हो जाएगा, लेकिन दूसरे में जबरदस्त प्रॉफिट आने वाला है। तो अगर आपने रोल ओवर करके आप गए भी तो नेट नेट में आपको 2-3 रुपए से ज्यादा कॉस्ट आने वाला नहीं है। आप इसको बैक टेस्ट करके देखो ना, आप ऑस्ट्रा में जाके पिछले 3 महीने का कोई भी लेके बैक टेस्ट करके देख लो, आप हर दिन में आपको कितना आने वाला है, वाइल्ड मूव करके देख लो, आपको नहीं आने वाला है। ये मैं वही तो आपको बताने का वो कर रहा हूँ कि एक ही स्ट्रेटेजी पे बैठा हुआ हूँ मैं दुनिया की 10 स्ट्रेटेजी लेके नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ मैं, और मुझे पता है कि मेरा जो है किसी भी सिनेरियो के अंदर नवंबर की एक्सपायरी में मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, अभी चाहे प्राइस 500 चला जाए चाहे प्राइस 200 चला जाए, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको टेस्ट करके देखो, आप जो बोल रहे हो ना, हाँ बोलिए आपका स्लाइड जो है ना वो जो नोट शेयर करेंगे एक बार शो कीजिए, मैं एक बार जस्ट एक लाइन है जस्ट वांट टू क्लेरिफाई अंडरस्टूड बट स्टिल आई वांटेड टू क्लेरिफाई जो एलबीपी यूपीपी, हाँ कौन सा वाला, ये वाला, दिस वन, ये वाला, हाँ हाँ ये वाला, ये वाला हाँ थोड़ा बड़ा, हाँ 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 यहाँ पे एक जगह लिखा था ना रूल्स should be insurance should be 10 LBP or UPP लिखा था ना उस साइड में, आया या तू ही थीटा only 10% is लिखते हैं, तू ही थीटा 40 रुपीस only 10 रुपीस sacrificed at 50% of BP and UPP, ये बोला था ना। अच्छा अच्छा तो ना मैं 250 का भाई देखो मेरा lower break even point है 230 रुपए और upper break even point है 310 रुपए, बराबर है? हाँ हाँ ऐसा। तो अगर मैं 310 का 230 का अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरे को लगेगा हार्डली 4 रुपए। मैं थोड़ा ज्यादा इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, मैं थोड़ा जो होता है ना कि जो अपन कार का जो इंश्योरेंस है, मैं कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं 50% बी पे ही मैंने इंश्योरेंस खरीद लिया, यानी कि मैं 270 का 250 का फुट खरीद ले रहा हूं और 290 की मैं कॉल खरीद ले रहा हूं, तो मेरे लगे 10 रुपए। अब देख लो आप जी का प्रीमियम देख लो ना भी, आप 20 रुपए नीचे का फुट और 20 रुपए ऊपर का कॉल आपको जो है 25% कॉस्ट में मिल रहा है, तो मैंने वो इंश्योरेंस ले लिया, अभी वो प्राइस ये मैंने भी 400 हो गया तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओ ना ना जैसे यही है नाउ हैव अंडरस्टूड इस ओल्ड एट द 50% ऑफ बीपी बट तो बीपी हमारा कितना है, मतलब दैट इज बी ब्रेक इवन पॉइंट राइट, तो बीपी इज 270 माइनस 40 दैट इज 230 ना, ओ सो 230 का 240 रुपए का यानी कि 20 रुपए पे मैंने बीपी ले लिया, 20 रुपए पे मैंने इंश्योरेंस ले लिया। नॉर्मली निफ्टी में लोग क्या करते हैं 1000 रुपए का जाके लेते हैं, भाई मुझे 1000 का प्रीमियम हो गया तो दोनों साइड का मैं 1000-1000 रुपए का मैं पुट खरीद लूं, पर उसमें क्या है कि पुट और कॉल जीरो हो जाता है, तो मैंने थोड़ा और सेक्रीफाइस कर दिया और मैंने कहा मैं 25% कॉस्ट देने को तैयार हूं, तो मेरे को ज्यादा थोड़ा जो है इंश्योरेंस चाहिए, अगर ये महीने में 400-500 चला गया तो मेरे को तो लॉटरी लग जाएगी उसी के अंदर ही ना। आप जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर नवंबर में ही प्राइस अक्टूबर में प्राइस 400 रुपए हो जाए तो लॉटरी लग गई मेरे को ना, नवंबर में मेरी अक्टूबर में मेरी लॉटरी लग गई कि मेरे गया तो 5 रुपए पुट में और काल में मेरे को मिल गया करीबन 130 रुपए और मेरे जो है मेरा स्ट्रगल तो मेरा चल ही रहा है नवंबर वाला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो 130 रुपए का प्रॉफिट यही बुक कर लूंगा मैं क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ था। आ रहा समझ में सर? ये आपकी एक्सीडेंट वाली बात है सर, एक्सीडेंट जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। हाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो जाए तो आई एम हैप्पी ना। अरे हम कार का इंश्योरेंस क्या सोच के करते हैं यार भाई, मैं बता रहा हूँ मैं जब अमेरिका गया था मेरे को 20,000 रुपए इंश्योरेंस के लगे, $5,00,000 का लेने का 20,000 लगे, मुझे बहुत दर्द हुआ था, 20,000 मेरा, 20,000 बेटी का, 20,000 वाइफ, 60,000 रुपए इंश्योरेंस का लगा, लेकिन वहां जाने के बाद में वाइफ स्लिप कर गई, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, 6,00,000 रुपए का बिल आया, 6,00,000 रुपए का बिल आया, पूरा का पूरा पैसा मुझे मिल गया। तो एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मेरा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मैंने इसीलिए लिया हुआ, और नहीं होता है तो मैं तो सेक्रीफाइस करने को तैयार हुई है ना, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 10 रुपए गेन करना, 10 रुपए इज इक्वल टू 13% ROI। अरे यार ये पूरा गेम सामने नजर आ रहा है ना आपको, बिजनेस प्लान आपको सामने नजर आ रहा है,
सर एक्सीडेंट किसी भी साइड होना चाहिए, अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन तो भी तो काम करेगा, हो जाएगा, दोनों में अच्छा है ना। मैंने तो दोनों तरफ का मैंने खरीदे हुए ना 5-5 रुपए के अंदर, कोठारी जी हाँ। कोठारी जी एक हाँ। एक उसमें अगर सपोज अक्टूबर एंड पे 400 पे चला गया, हो जाने दो ठीक है, आपने कॉल का जो आपने इंश्योरेंस लिया था उसने आपको बचा लिया, पुट वाला गल गया, नहीं लिया, नहीं नहीं बचा नहीं लिया, लॉटरी लग गई आपके वहां पे। अरे सर मैं मान गया, मैं क्या कह रहा हूँ जो हाँ। शॉर्ट स्ट्रगल है उसमें जो मैंने कॉल 270 का शॉर्ट किया था 20 रुपए पे हाँ। वो जब ये 400 रुपए पहुंच गया है तो वो जो उस समय का जो कॉल होगा वो होगा करीब जाकर के आपका 150 के आसपास या 130-140-150 जो भी होगा ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन आ रहा है तो इस सिचुएशन में डू यू सजेस्ट टू शिफ्ट द स्ट्रगल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं अभी पहली बात तो ये है कि मेरे को ये महीने में जो लॉटरी लग गई मैं उसका पैसा तो लेके खा जाऊंगा ठीक है, इसमें तो कोई कोई डाउट ही नहीं है कि तो मेरे को तो मैच्योर हो रही है उसको लेके खत्म करूं, उसको लेके मैंने खत्म कर लिया। अभी आगे अपना अगले महीना ठीक है ना, अभी अगला महीना में अभी भी 30 दिन है आपके पास, अभी भी आपके पास 30 दिन है। और ये आप मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि ऑपरेटर उस 400 को नवंबर एंड तक 400 नहीं रहने देगा, वो नीचे आएगा ही आएगा, 100% नीचे आएगा, 200 400 से वापस 300 लाना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो ऑपरेटर 100 करोड़ रुपए एवरीडे कैसे कमाएगा, वो ऑपरेटर को पैसा हमारा तो एक लॉट है, हमारा एक लॉट है, ऑपरेटर के 100 लॉट पड़े होंगे, 100 लॉट ऑपरेटर के 1000 लॉट पे काम करते हैं वो लोग, 1000 लॉट होंगे करेक्ट। तो वो थोड़े ना कि 400 के बाद में पूरे महीने तक वो 400 ही रहने देगा उसको, या 400 से 500 पे लेके जाएगा तो पैसा कैसे कमाएगा वो, उसने 400 लाने के बाद में रिटेलर को घुसा दिया, फिर 400 से वापस 300 लेके आएगा, फिर पैनिक क्रिएट करेगा, फिर 300 से फिर 400 पे लेके, ये सब गेम तो उनका चलता रहेगा ना, तो चलने दो ना, वो भी तो सर जी वो भी तो प्रॉफिट बुक करेगा जब वो इतना प्रॉफिट बुक करेगा तभी आपकी कॉल 400 से कम आ जाएगी। हाँ तो ये गेम पेशेंस का है, अगर आपने एक ही चीज है इसमें सर मैं बताता हूँ विकास जी, इसमें एक ही चीज है, इसमें आप पोजीशन बना लेंगे आपको महीने में कम से कम 3-4 बार टेम्पटेशन आएगी, 1 लाख बुक कर लूं ये वाला छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करना है, मैंने गलती करी है नीरज जी कितनी बार, ये वाले मैंने गलती करी है कितनी बार, आपने मार्केट मूवमेंट को बड़े तसल्ली से ऑब्जर्व करके एंड इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रेटेजी फॉर द श्योर शॉट गेन्स, मतलब बंदा पेशेंस रखे डिसिप्लिन से खेल ले तो पैसा कमा के निकल जाएगा आराम से, कोई टेंशन और क्या चाहिए अपने को यार चतुर्वेदी में बताइए और क्या चाहिए आपको, बताओ 10% ROI, आप मुझे बताइए 10% ROI 1.5 महीने के अंदर दुनिया में कौन सा बिजनेस देने वाला है आपको शांति से। लेकिन कुछ ट्रेडर्स को क्या ना अपना DNA चेंज करना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड अवॉइड टेम्पटेशन वो जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, इट्स वंडरफुल वर्ड, इट्स अ वेल थॉट स्ट्रेटजी। आप चतुर्वेदी जी आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे जब मैंने एक मिनट आप ये बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मेरा पूरा पोर्टफोलियो सेल किया ना मुझे इतना दर्द हुआ था बता नहीं सकता मैं आपको, मैंने आंख बंद करके मैंने 1.5 महीना पहले पूरा मेरा पोर्टफोलियो बेच दिया, कुछ प्रॉफिट में कुछ लॉस में मैंने बेच दिया, मैंने कहा यार आई विल नॉट गो बाय द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थ्योरी, म्यूचुअल फंड वाली थ्योरी से मैं काम नहीं करूंगा, मैं आई विल वर्क प्योरली एंड प्योरली लाइक अ बिजनेसमैन, मुझे हर महीने प्रॉफिट चाहिए, हर महीने मुझे प्रॉफिट कमाना है, एंड सडनली माई 2 महीने का रिटर्न इज बिकम ह्यूज, क्योंकि मैं उस माइंड सेट से निकल गया, मैंने कहा यार ये मेरा पैसा हमारे दिमाग में ऐसा लोगों ने घुसा दिया है कि लॉन्ग टर्म के बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, अरे मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म से खराब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, अब आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन आप सोचिए क्या आपका 13% आपका म्यूचुअल फंड जो 13% रिटर्न दे रहा है, या जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपके 20-30 साल से रखे हुए हैं, आपका CAGR रिटर्न 13-14% का आता है, 13-14% से ज्यादा CAGR रिटर्न चाहे विप्रो ले लो, ITC ले लो, BPC कोई भी ले लो नहीं आता, तो यार यहाँ मेरे को 1 महीने में आ रहा है और वो मेरे को 1 साल के अंदर देता है, तो क्या मैं बेवकूफ नहीं बन रहा हूँ मैं,
नहीं नहीं आई एग्री विद यू सर, आपने जुलाई में स्ट्रेटेजी एक दी थी, यू हैव फुल लॉट इन डिलीवरी एंड देन यू डू द कॉल शॉर्ट ना ऑफ द अपर लेवल. आई अप्लाइड इट इन जुलाई इटसेल्फ और अगस्त एक्सपायरी एंड आई एग्जिटेड विद अ डीसेंट प्रॉफिट अराउंड 19%. आई अप्रिशिएट द थॉट बिहाइंड इट. या वेरी नाइस. और एक सबसे खराब चीज है सर इसमें म्यूचुअल फंड में कि दे आर जस्ट पुलिंग अस. कितना डिविडेंड देते हम लोगों का, डिविडेंड जीरो देता है, कितना डिविडेंड वो लोग खाते हैं. वी डोंट गेट इट. डिविडेंड को मारो बोली यार, डिविडेंड आता है 1% का, क्या करना है डिविडेंड को लेके. और शेयर मार्केट गिर गया तो बोलेगा इट्स म्यूचुअल फंड, यू हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स. सब बोल रहा हाँ हाँ हाँ. अरे बाप रे, सब कितना समझ. ये सब मैं तभी तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया इज द म्यूचुअल फंड. जोशी जी नहीं मानेंगे इस बात को. जोशी इज द फैन ऑफ म्यूचुअल फंड. मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा हाउ इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड स्कैम. म्यूचुअल फंड इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्कैम ऑफ इंडिया. मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा. मेरा ये कहना नहीं है, मे बी ये जो 500 लोगों का ग्रुप है उनके लिए एकदम ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में कितने 1.5 अरब लोग है ना. तो अभी कुछ लोगों को नौकरी भी करनी है और कुछ लोग का टेम्परामेंट रिस्क लेने का नहीं है. देर आर सो मेनी पीपल. कुछ लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती है. तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सब ये करें. ठीक है, मेरे को मैथमेटिक्स अरे सर, मैं अपनी मेड को पिछले 3 महीने में ये कहते कहते थक गया कि तू ये 30,000 का मोबाइल मत खरीद अपने लड़के के लिए, तू ये 30,000 मेरे को दे दे, मैं तेरे को रिटायरमेंट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इतना देंगे. वो यही नहीं करती. आप अभी मतलब हमें कॉमन, थोड़ा कॉमन सोचना पड़ेगा. एंड ये 500 लोगों के लिए अलग. ये 500 लोग डिफरेंट. दैट इज व्हाई आई एम रेडी टू लर्न. नहीं मैं बताऊं मेरा मेरा इरादा क्या है. जैसे स्कूल में थे ना, स्कूल में थे तो कॉमिक्स पढ़ना, टिनटिन पढ़ना सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी था, राइट. सो नाउ वी अंडरस्टैंड फाइन, उस समय पढ़ाई के ध्यान देना अच्छा था. सो इट डिपेंड्स. सो आपका मेट का है अभी मोबाइल फोन, को जो भी बोलोगे आप कुछ देखना. नहीं मेरा यही है, जैसे मेरा खाली 20% कॉर्पस जो है इक्विटी में और वो भी म्यूचुअल फंड में. अभी मेरे को 20-40 करना है, तो मैंने ये सोचा है बाकी जो 20% है वो ऑप्शन में लगाऊंगा. आप ऑप्शन में मत लगाओ, एक में लगा लो. HDFC बैंक का शॉर्ट सेल कर लो, आप विप्रो का कर लो, आप TCS का कर लो. आपका जो रिटर्न आएगा ना वो पूरे एक महीने का, इस साल का रिटर्न एक महीने में आपको आ जाएगा. नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. एचडीएफसी बैंक में वही मैं सोच रहा हूँ. प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो दिमाग है ना, इतना ज्यादा बम्बार्डमेंट किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कि हम टोटली मतलब ब्रेन वॉश हो चुका है हमारा. अभी आप, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. आप कभी सब्जी बाजार में जाइए या किसी मार्केट में जाइए, सारे लोग एप्पल 120 रुपए किलो बेच रहे हैं, बराबर है. सारे दुकानदार कोई 115 दे देगा, 118 दे देगा, लेकिन सब 118 और 120 में बेच रहे हैं. और हम अगर 115 पे ले ले तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार मैंने आज जो है 115 पे ले लिया. आपको ये पता नहीं है कि वो सारे दुकानदारों ने एप्पल 50 रुपए किलो पे खरीदा है और आपको 115 रुपए में दिया है. अब बोलिए बाप, क्योंकि सारे दुकानदार 120 में बेच रहे हैं, तो यार यही रेट सही होगी. आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, आपको सारे लोग एवरेज 12% का रिटर्न दे रहे हैं. कोई 14 देता है, कोई 15 देता है, कोई 10 देता है, एंड वी फील इट इज वेरी गुड. मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मिनिमम 24% रिटर्न आप निफ्टी 20 से कैसे कमा सकते हैं. कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है. 24% का रिटर्न निफ्टी 20 आपको दे रहा था, आपको क्या चाहिए यार. क्यों मैं जाके वो बिहार में से एप्पल लो खरीदूं, मुझे बताइए आप. म्यूचुअल फंड्स का कार्टल है सर सबका. अरे कार्टल, इट्स अ स्कैम. अरे उसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है यार. वो प्रशांत जैन की सैलरी पता कितनी है, वो सुनील संगनिया की सैलरी पता कितनी है आप लोगों को. वो पैसा कहाँ से आ रहा है. सचिन तेंदुलकर को 10 करोड़ रुपए ये बोलने के लिए म्यूचुअल फंड सही है, कौन देता है 10 करोड़ रुपए उसको, जरा बताइए मुझे. सचिन तेंदुलकर जब लाइन बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, मैं उसको बोलूंगा कि तू 20 करोड़ ले ले म्यूचुअल फंड, ये बोल के सही नहीं है वो बोलने लग जाएगा. अरे यार मेरा ही पैसा यार, मेरे को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग सारे के सारे म्यूचुअल फंड वाले मिलके. इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड स्कैम. मिनिमम रिटर्न आप मान के चलिए 25% का आपको आता है इक्विटी के अंदर.
25% रिटर्न, सिंपल लॉजिक है, मार्केट जिस दिन एक्सीडेंट होगा मैं उस दिन खरीदूंगा, बस शांति से बैठा रहूंगा। निफ्टी बीस आपको, निफ्टी बीस आपको 100 रुपए मिला, सुनिए, निफ्टी बीस आपको 100 रुपए मिल रहा था, 120 पे मिल रहा था, 150 पे मिल रहा था, अभी 200 गया, 200 से वापस 180 पे आया, आया कि नहीं आया? लेकिन हम क्या करते हैं, हम SIP करते हैं, मार्केट चाहे 70,000 हो, भर के जिन्होंने निफ्टी बीस खरीदा उनको जबरदस्त प्रॉफिट आया, 25% प्रॉफिट हुआ, 25% से ज्यादा कहां, और क्या, फिर क्या चाहिए आपको? फिर क्यों मैं म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, कोई मुझे क्यों नहीं बोलता है कि आप जाके ETF खरीदो निफ्टी 20 का? सिंपल लॉजिक, एक रूल बना दीजिए कि जिस दिन मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा मैं 5,000 का निफ्टी 20 खरीदूंगा, मार्केट 1,000 पॉइंट गिर गया मैं 10,000 का निफ्टी 20 खरीदूंगा, स्टैंप पेपर पर लिखा लो, अगर 24% रिटर्न आपको ना मिले 10 साल के अंदर तो मुझे नाम बदल दे, और क्या चाहिए आपको यार, सिंपल रूल। और 6,000 रुपए या 5,000 रुपए महीने की आप SIP अपने सेविंग बैंक में करते रहिए, आप जो चीज आप ये बोलते हैं ना SIP कीजिए, आप 10,000 रुपए महीने की SIP अपने सेविंग बैंक में करती रहिए, 6% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नंबर वन रूल। नंबर टू रूल, जिस दिन भी मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा मैं 5,000 का निफ्टी 20 खरीदूंगा, 1,000 पॉइंट गिरेगा मैं 10,000 का निफ्टी 20 खरीदूंगा, बस दैट्स ऑल। आपका अगर ईयर 5 साल के बाद में 25% रिटर्न ना आए तो मुझे बता देना, कोई बताता आपको? ऐसा करते हैं कोठारी साहब, इसमें ऐसा करते हैं, जैसे मान लो किसी की SIP जाती है 10,000 रुपए पर मंथ की, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि अगर अगर जैसे इस मंथ की कैंडल ग्रीन है और अगले मंथ की भी कैंडल ग्रीन है, उसको वो पैसा नहीं डालना चाहिए, अपने पास रखे, अगले मंथ की भी ग्रीन है वो अपने पास रखे, जब सेविंग बैंक में पड़ा है ना। हाँ हाँ वही है, वही चीज है, सेविंग बैंक में मैं 10,000 रुपए महीना डालता जा रहा हूँ, बराबर है, अब मेरे को सेविंग बैंक से मुझे 6% का रिटर्न तो आएगा ही आएगा, अभी मुझे 6% और चाहिए एज पर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, 12% दे रहा है ना म्यूचुअल फंड वाला, तो 6 तो मुझे सेविंग बैंक ने दे दिया, 6 मुझे और चाहिए, मैं वो 6 की जगह आपको 24% लेके दे रहा हूँ। मैं रूल क्या है कि जिस दिन भी मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा मैं 5,000 रुपए निफ्टी 20 खरीद लूंगा, 1,000 पॉइंट गिरेगा मैं 10,000 का निफ्टी 20 खरीद लूंगा, बस दैट्स ऑल। और भूल जाइए आप, 5 साल तक करते रहिए, 25% रिटर्न ना आ जाए तो मुझे बता देना। अब ये मुझे कोई म्यूचुअल फंड वाला क्यों नहीं बोलता है, ये सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बोलता है मेरे को, या ये मेरे को जो है सुनील संगनिया क्यों नहीं बोलता है कि भैया तुम ऐसे करो, वो बोलता है नहीं नहीं म्यूचुअल फंड में पैसा डालो आपको 16% में रिटर्न दे दूंगा, अरे 8% तो तू सैलरी में खा जा रहा है, तो एक एक करोड़ के उनके एक करोड़ की 2 करोड़ की सैलरी है उनकी, वो कहां से आती है? सचिन तेंदुलकर को 10 करोड़ रुपए तुम वो बोलने के बोल रहे, वो पैसा कहां से आता है? वो मेरा ही 8% का पैसा है, मैं क्यों दूं उनको, मैं निफ्टी 20 में डालूंगा। तो दैट इज द लॉजिक, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है, शॉर्ट स्ट्रेटल में सपोज पोजीशन लेना पड़ा उसके लिए यू रिजर्व द कैश क्या? नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे मान लो मैंने 2 करोड़ का पोर्टफोलियो मैंने लिक्विडेट कर दिया, ठीक है, अभी 2 करोड़ रुपए मेरा कैश खड़ा मेरे पास में, ओके okay. अभी वो मेरी पोजीशन जो है किसी भी टाइम पे मेरी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, विच इंक्लूड माय शॉर्ट पी एंड माय फ्यूचर, ओके अच्छा, मतलब शॉर्ट पी और जो फ्यूचर का जो मेरा जो टोटल वैल्यू है, अगर मुझे डिलीवरी लेना पड़ गया इन एक्सट्रीम केस तो मेरे को 2 करोड़ से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट 2 महीने पहले तक का। अभी जब से मैंने ये डायगोनल स्प्रेड वाला कॉन्सेप्ट लिया है तो इवन तो मैं 2 करोड़ के अंदर में 10 करोड़ का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले लिया ना, अभी मुझे टेंशन ही नहीं है बिल्कुल, तो आई कैन हैव अ 20 स्ट्रेटल, आई कैन हैव अ 40 स्ट्रेटल, तब तो उसमें देखो कितना पैसा निकाल सकते हो आप, बट ये है कि डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना, और सिस्टम वाइज ये डाइवर्सिफाइड भी हो गया, मान लो एक 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 अंडरलाइंग में वैल्यू ज्यादा वो आ गई तो 10 10 10 की 10 में थोड़ी आ जाएगी, 10 में थोड़ी आएगा, मेरे एक में नहीं चल रहा है, मेरा 4 स्टॉक में चलते रहते हैं, मेरे 4 PNC जब भी बोलता हूँ मेरी 4 PNC है, एक डिश करेगी 3 तो मुझे जबरदस्त पैसा देगी ना सर, और मैं एक बता रहा हूँ 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से ऊपर रिटर्न जनरेट करने का तरीका ही यही है, इसके अलावा कर ही नहीं सकते हम, मैं कितना भी एक्सपर्ट हूँ कॉल बाय पुट बाय का, मैं नहीं कर सकता इस चीज को इन और आउट, कंसिस्टेंटली आपको पैसा चाहिए। हाँ और दूसरा ये पॉइंट था सर, आप जो शॉर्ट स्ट्रेटल करते हैं
तो आपको स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आपका व्यू बनाना पड़ेगा क्या स्टॉक के ऊपर? व्हेदर इट विल बी अ बुलिश व्यू और पड़ने वाला नहीं है, स्टॉक बड़ा होना चाहिए, स्टॉक सुजलोन टाइप स्टॉक नहीं होना चाहिए। निफ्टी 50 का स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, वो सारे मीन डिवर्जन के, और पहले टॉप टर्न में रहिए आप, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में आप वहां से स्टार्ट कीजिए, आप शुरू में आपको 4-5 महीने बाद, आपको 4-5 महीने बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रेंज आ जाएगी कि भाई ये शेयर यहाँ से यहाँ घूमता है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अपन ने तो इंश्योरेंस ले लिया तो फिर दिक्कत क्या है, फिर चाहे आप जी ले लो, चाहे आप इंडिया बुल ले लो, इवन वहां भी आप पैसा कमा के निकलोगे। प्रॉब्लम ये है जो आपने आज स्ट्रेटेजी शेयर की उसके हिसाब से मे बी किसी का 10 लाख का कैपिटल हो तो 10 लाख में वो कितने स्टॉक या निफ्टी के कितने लॉट में काम कर सकता है, ये नई स्ट्रेटेजी में? भाई देखिए, आपको अपना पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको हर एक का आपको मार्जिन देखना पड़ेगा कि कितना मार्जिन लग रहा है। मार्जिन कैलकुलेशन हर एक स्टॉक का अलग होता है। जी में जैसे 2.3 लाख लग रहा है, लेकिन आप टीसीएस में जाओगे तो 1.25 लाख में काम हो जाएगा। आप अगर 2.3 लाख लग रहा है चारों लेग में हाँ, अगर आप सिंगल शॉर्ट सिंगल करते हो तो कम से कम तो 2 लाख चाहिए। हाँ, तो ज्यादा लगता है, तो वो अभी मैं एडवोकेट नहीं करूंगा कि वो थोड़ा रिस्की है और उसमें थोड़ा हार्ट अटैक आते हैं, मतलब मार्केट वो हो सकता है वो एकदम नीचे गिर जाए ऊपर चला जाए, तो हम इंश्योरेंस लेके चलाए काम करेंगे सर, क्योंकि मुझे रिटर्न ज्यादा आ रहा है, देखा जाता मार्जिन बेनिफिट। जोशी साहब, देखो इंश्योरेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है जोशी साहब इसमें। नहीं नहीं, नीरज जी सही बात है कि इंश्योरेंस आपको डबल बेनिफिट दे रहा है। इंश्योरेंस आपको एक तो मार्जिन आपका जो है आधा कर दे रहा है, और प्लस आपको आपको शांति की नींद दे रहा है, डबल बेनिफिट दे रहा है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस अपने को लेना ही चाहिए, मैं अभी इस कंक्लूजन पे आया हूँ। और वही हमारे को सर ने बोला किसी के पास 10 लाख का कैपिटल है तो मैं सजेस्ट करूंगा निफ्टी में 2 से ज्यादा नहीं करनी चाहिए उसको। हाँ, 2 आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 5 लाख का मार्जिन ले लो। ये ऐसा पहला इंश्योरेंस है जो इवेंट हो जाए तो और अच्छा है। क्या हो जाए तो क्या हो जाए, हम इंश्योरेंस लेते हैं इवेंट ना हो उसके लिए। ये ऐसा इंश्योरेंस है जहाँ इवेंट हो जाए तो और अच्छा है। इवेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तब तो लॉटरी लग गई आपके दोनों याद में बाइंग वाले में प्रॉफिट नहीं हो तो सेलिंग वाले में आ ही जाएगा। अरे भाई, वो भाई शर्मा जी ने जो वो हमको करीबन 15 दिन पहले जो बताया था, जिन मार्केट 2000 पॉइंट गिरा था, तो उन्होंने बोला था कि जबरदस्त प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट में इसीलिए थे कि उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ था। शर्मा जी को जो स्ट्रेटेजी में 1.5-2 लाख का प्रॉफिट। हाँ बोलिए। हाँ राइट, इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन बिहेवियर कंटिन्यूअस हमारे फेवर में काम कर रहा है, थीटा हमारे फेवर में काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें काम कर रही है इसलिए। कोठारी साहब, जस्ट वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। शायद आई मिस, प्रॉब्ली आई मिस दैट कि जो इंश्योरेंस हम ले इट टू टेक फॉर सेम मंथ, क्या फॉर? नहीं नहीं, एक महीने पहले का, क्योंकि एक्सीडेंट जो होगा नॉर्मली करंट मंथ में होता है, नेक्स्ट मंथ में तो नेक्स्ट महीने का तो ऑलरेडी आपका जो स्ट्रेडल का प्रीमियम आधा रह चुका है ना, तो 20 रुपया तो आपको ऑलरेडी वो मिल ही गया है इंश्योरेंस का पैसा, तो आपका प्रोटेक्ट हो ही गया ना वहां जाके, तो उस तब इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अपने को करंट मंथ में आपने स्ट्रेडल किया आज ही, और कल ही मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर भाग जाए या 2000 पॉइंट गिर जाए, तो वो एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपने 15-20 दिन निकाल लिया तब तो फिर वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब तो वो एक्सीडेंट होगा तो आराम से संभाल लेगा थीटा आपका, कि थीटा आपके फेवर में काम कर रहा है जबरदस्त। प्रॉब्लम आता है शुरू के 2-3 दिन में कुछ हो जाए, तो आज ही आपने किया और शाम को एक्सीडेंट हो जाए, तब अपना इंश्योरेंस काम आएंगे, जबरदस्त काम आता है। इंश्योरेंस यू शुड टेक 1 month बिफोर। या वन मोर राइट सर, हां यू शुड टेक इंश्योरेंस 1 month बिफोर। जब आपने स्ट्रगल किया है तो पहले बात तो अब नवंबर का बेचोगे बाप, अब नवंबर का इतना जल्दी से बिकेगा नहीं स्टॉक के अंदर, नवंबर का स्ट्रगल बेचने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा कोशिश करना पड़ता है। अभी लिक्विडिटी नहीं, जीरो है, 4-5 दिन के बाद में लिक्विडिटी स्टार्ट होगी, और तब भी बहुत मतलब बहुत मुश्किल से थोड़ा बिकते हैं आपको, 5-5 पैसे कम करना पड़ता है, लेकिन बिक जाता है। और जैसे ही आपका स्ट्रगल बिक जाए, आपको अपना स्ट्रगल करंट मंथ का खरीदना है, फिर आपको वहां लालच नहीं करना कि यार मैं थोड़ा वेट कर जाता हूँ। पहला टारगेट स्ट्रगल बेच दो, एक बार स्ट्रगल अगले महीने का बिक गया, जो कि मुश्किल से बिकेगा, इतना आसानी से नहीं बिकेगा, एक बार बिक गया 40-42 रुपए प्रीमियम आ गया, अभी आप जो है अपना आराम से आप जो है स्ट्रगल खरीदो। अभी मैं सिंपल आपको एक और बताता हूँ, आप जीरोधा के अंदर जाइए और आप कोई भी ऑप्शन का जो है अगले महीने वाले का प्राइस का आप चार्ट देखो, आप
जैसे जी ले लो या टीसीएस ले लो या आप एचडीएफसी बैंक देखो, ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट देखो आप देखोगे कि अगले महीने से वो धीरे 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 करके आपका प्रीमियम गिरता जा रहा है कंटिन्यूसली। डेढ़ महीने तक आपका जो 40 रुपए का जो है वो 40 से 38, 30, 32, 20 ऐसा होता जाएगा आपका। बीच बीच में जब एकदम से मार्केट अगर बहुत ऊपर नीचे चला गया तो फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट इनवेरिएबली वो आपका टोटल प्रीमियम गिरता जा रहा है। चेक इन द जीरोधा, वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता है। ऑप्शन की प्राइसेस का चार ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा आपको, जीरोधा में मिलता है। यस सर, जी का हाँ। ये आई मीन 23 स्लोली स्लोली दो महीने में ये 120 से घट के 32 रुपए रह गया। कितना रह गया? मतलब 32 रुपीस अभी 42 से 32 आ गया, 10 रुपए मिल गया आपको ऑलरेडी 120 से सर। मतलब अगर आप 3-4 मंथ्स एज यू आर सेइंग स्लोली स्लोली इट इज गोइंग डाउन। हां वो गिरेगा ही गिरेगा ना, थीटा का तो प्रिंसिपल यही है ना भाटिया जी, थीटा का प्रिंसिपल यही है। भाई आपको सोम जी क्या बता रहे हैं, सोम जी सिंपल बताते हैं अगले महीने का बेचो, अगले महीने वाला बेचना है और नियर वाला अपने को खरीदना है। तो सर अभी नवंबर का ले सकते हैं ना सर, नाउ वी हैव टू टेक फॉर नवंबर और दिसंबर। नवंबर का लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, अभी 2-4 दिन लगेगा नवंबर लिक्विडिटी आने में। अच्छा, आप टीसीएस में मिल जाएगा लेकिन जी में नहीं मिलेगा, यूपीएल में नहीं मिलेगा, इनमें आपको भी नहीं मिलेंगे। नवंबर में 250 का मिल, सॉरी 260 जी का, दोनों कम लिक्विडिटी है ना, वो लिक्विडिटी नहीं है, वो बिकेगा ना। इंडेक्स में लिक्विडिटी रहेगी ना कोठरी की? इंडेक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडेक्स में वी कैन अप्लाई दिस लॉजिक इन इंडेक्स व्हिच इज मच बेटर एंड द लिक्विडिटी इज वेरी हाई। इंडेक्स में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप वीकली से आप अपना जो इंश्योरेंस लो आप। हां सर, व्हाट इज द रीजन फॉर बाइंग द करंट मंथ? पे करंट क्योंकि एक्सीडेंट करंट मंथ में होगा ना। एक्सीडेंट अगर देखिए सिंपल है, अगर आपने जैसे एक मिनट, आपने नवंबर वाला बेचा, ठीक है, नवंबर का आपने बैंक निफ्टी बेचा आपने, और आपको उसका प्रीमियम मिलेगा नवंबर वाले का समथिंग अराउंड 2200 रुपए एट द मनी का स्टेटल। अगर आपने नवंबर का बेचा तो आपको 2200 से लेके 2400 तक आपको प्रीमियम मिलने वाला है, ठीक है। और लेकिन करंट मंथ का एक्सीडेंट जो होंगे ना वो करंट मंथ में होंगे या करंट वीक में होंगे। अगर एक बार एक महीना निकल गया तो फिर वो एक्सीडेंट हो गया तब भी आपका जो 2400 रुपए, तो 1200 रुपए ऑलरेडी हो चुका है, तो 1200 रुपए का तो आपको वैसे ही बेनिफिट पे चल रहे हो ना, तो अपन वो एक्सीडेंट को संभाल लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने वो 2400 का लिया और अगले दिन ही मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर चला गया, दैट इज द एक्सीडेंट। तो वो एक्सीडेंट बचाने के लिए अपन वीकली वाले से हेज करते हैं। एक बीज हेज किया आपका कॉस्ट आएगा हार्डली 40 रुपए। सर करंट मंथ का करना है, क्योंकि करंट मंथ का करना है, ओटीएम करना है या? हाँ ओटीएम। एक क्वेश्चन था सर, वो बैन कर देते हैं जैसे पीरियड में जीएल का कर दिया था बैन? अब यार वो तो देखो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वापस आया ना, 2-3 दिन तक नहीं किया, लेकिन जिस दिन चालू हुआ उस दिन चालू हो गया ट्रेडिंग का, वो हो सकता है। आप एग्जिट नहीं कर सकते ना, जब अगर आपको एग्जिट करना है नहीं कर सकते, नहीं एंटर भी कर सकते हो, पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं, पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो क्या होता है फेंडो में, एक लिमिट से ज्यादा जब पोजीशन बन जाती है, मान लिया 1,00,000 शेयर ट्रेड होते हैं कहीं भी, मान लिया मैं टोटल एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस के 1,00,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मान लो एफेंडो में कोई 1,20,000 की पोजीशन बना दे और सब डिलीवरी मांगने आ जाए, तो एक्सचेंज कहां से देगा? एक्सचेंज कहां से देगा? तब एक्सचेंज क्या किया करता है, जैसे ही 100% के अप्रोक्स पहुंच जाती है पोजीशन तो उस पर बैन लगा देता है, और जब 80 से ब्लो हो जाती है तो उसे हटा देता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इंडेक्स में क्या है, वीकली ऑप्शन से जब आप हेज करोगे, इट्स लाइक बाइंग योर ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन ए मंथली प्रीमियम बेसिस। राइट एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली। अब इसमें कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं कि बाया मंथली वाला बेचते हैं, यानी कि 15 दिन आगे की बेचते हैं और 7 दिन वाली खरीदते हैं, तो यू कैन हैव एनीथिंग। इशू ये है कि कॉन्सेप्ट आपको समझना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, फिर आप किसी में भी लगा दो आप, कि अपने को थीटा खाना है, बस अपने को थीटा खाना है, और थीटा आपको कब मिलेगा, अपने को अगला वाला बेचेंगे और पास वाला खरीदेंगे, तो एक्सीडेंट हो गया तो पास वाला बचाएगा, नहीं तो थीटा मेरे को बचा के देगा, बस दोनों तरफ से मेरे लड्डू हैं। पर डिसिप्लिन रखना है उसमें, फिर अपने को एक से निकलना नहीं है, वो सब थोड़ा एडजस्टमेंट वो सब अपने को सीखना, जो कि अपने को शर्मा जी ने बताया कि अपने को मिड पॉइंट पे चलना है, एडजस्टमेंट अगर करना है तो मिड पे आ जाओ आप,
अपने को जो है वो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है उसको और बीच में लेके आ जाओ, वो सब अपने कर सकते हैं। हाँ शर्मा जी बोलिए। ऑर्केस्ट्रा में जो ब्लू लाइन है ना वो मेंटेन करनी है अपने को। हाँ, ऑर्केस्ट्रा में जो ब्लू लाइन दिख रही होती है ना, बस उसी को देखना है और कुछ नहीं। अच्छा चला गया और मेरा लॉटरी लग गया इस महीने का अक्टूबर का, ठीक है, तो मैं तो निकल गया वहाँ प्रॉफिट लेके। नाउ नेक्स्ट महीने में मतलब नवंबर में जो मेरा पुट कॉल सेल ऑलरेडी है उसमें लॉस है, राइट, बट इट इज कवर्ड नाउ। उसको अभी मैं क्वेश्चन, उसको अभी इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उस समय का? फिर देख लो जहां 5-5 रुपए का मिल रहा है वो ले लो, और क्या है उसका तुमने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। हाँ, वो अगर जैसे 400 चला गया है तो जैसे उसका 20-40 रुपए नीचे का और उसके 40 रुपए ऊपर के दो इंश्योरेंस खरीद लो। कि अगर मान लो 400 से 600 ले जाए, क्योंकि उसमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ 400 से 300 आने की बहुत ज्यादा है, 400 से 600 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भी। मतलब जी ऐसा नहीं हो सकता कि 200 वाला 400 हो जाए, 400 से 600 हो जाए, 400 से 200 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको पुट तो खरीदना ही खरीदना है। नवंबर में ही खरीदना पड़ेगा, राइट? हाँ, नवंबर में आप आपको पहले ही 100 रुपए आप प्रॉफिट कमा चुके हैं ना, तो अगर मैंने 20 रुपए या 40 रुपए दे भी दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी तो लॉटरी लगी हुई है ना ऑलरेडी। शर्मा जी यही ना बोलते हैं, अगर आपने एक बार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ले लिया तो अगले महीने में मुझे 10,000 रुपए का लॉस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऑलरेडी लॉटरी लग चुकी है ना आपकी, बराबर, ठीक है ना, तो फिर तो अपन आराम से संभाल लेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको ट्रेड करके देखो, मैं तो कह रहा हूँ ये जो जितने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना इतने होते नहीं है कि जी आपका 200 से 600 हो जाए, 400 हो जाए, दीज आर इम्पॉसिबल है। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं हो सकता है, हो सकता है लेकिन कभी नहीं होता है। अरे बाजार में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं यार, अपन तो क्या है मतलब चिंदी लोग हैं, अपन एक लोट दो लोट में काम कर रहे हैं, वो लोग हजारों लोट में काम कर रहे हैं। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जी 400 होने जा रहा है। बिल्कुल अक्टूबर में जी जा रहा है, 400 रुपए से कोई नहीं रोक रहा है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है जब ये मैंने खरीद रखे है ना, अभी जब उस पे आएगा। लेकिन लेकिन मेरे से फिर से सबसे रिकमेंडेशन है, कॉपी मत करना ट्रेड को, ये 200 रुपए भी हो सकता है, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये मत सुनिए कि शर्मा जी ने बोल दिया या मैंने बोल दिया 400 रुपए हो जाएगा तो हो ही जाएगा, होने में 200 भी हो सकता है, ये नहीं होगा, नहीं 200 नहीं होगा पक्का है, बट यू शुड बी मेंटली रेडी ना, तैयार रहो, तैयार रहो, 400 जा रहा है तो क्या करो। हाँ, और 400 जा रहा है और अगले साल तक इसे 1000 में आप देखेंगे। अच्छा, 1000 में देखेंगे बिल्कुल, है ना, जैसे ही ये जो मर्जर हो रहा है उसके वजह से। हाँ, मर्जर और क्या, मर्जर के बाद में क्या है, कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये जी जा रहा है, ये रुके, वो मैं बताता हूँ, ऐसा होता है एक्युमुलेशन चल रहा है, आप अगर उसके कैंडल को देखेंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे, टेक्निकल वाले ज्यादा बताएंगे है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना टेक्निकल मेरे को आता है, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, आने वाला किसी भी समय आ जाएगा, ये रुकेगा नहीं। जी फिर तो कल गैप डाउन में खरीदना शुरू कर देंगे पब्लिक। नहीं, कल गैप डाउन कहाँ होगा, ज्यादा थोड़ी होगा। हाँ, गैप डाउन में खरीदिए ना सर, मैं कह रहा हूँ आप जैसे मान लीजिए मेरे को 1000 शेयर चाहिए, तो कल आप मतलब 100 ले लीजिए, अगर ये 10-5% ड्रॉप मतलब फॉल आ जाए तो डबल क्वांटिटी ले लीजिए, फिर उसके बाद डबल ले लीजिए, कर दीजिए अपने 1000 शेयर। हाँ, मैं एक्चुअली सर पिरामिड में खरीदता हूँ। हाँ, पिरामिड जानता है उमा शंकर जी, थर्सडे को 240 रुपए आया था ये ऑपरेटर, 240 रुपए लेके आए थे इसको। नहीं, वो सर थर्सडे को दो दिन पहले 240 रुपए लेके आए थे। नहीं ऐसा, वो सेक किया, वो मैं बताता हूँ, वो सेक किया जाता है ताकि रिटेलर्स के हाथ से ये निकल जाए। हाँ, वो बार बार यही करेंगे, बार बार यही करेंगे। हाँ, स्टेट बैंक नहीं देखा था कहाँ तक पहुंचा दिया था। आप केवल कैपिटल लेके बैठे रहिए, बहुत अच्छा मौका आता है, जैसे अभी ये कैन फिन होम फाइनेंस है ना, बहुत अच्छा शेयर है, बाई कीजिए आंख बंद करके, 460-470 के अप्रोक्स चल रहा है, 750 से आया गिरता हुआ लगभग।
चलिए अभी जो है अपन जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सॉरी एक छोटा सा डाउट था सर, ये अभी जो आप शॉर्ट स्ट्रेडल आप कर रहे हैं इसमें कितने बारी एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़ता है सर, और विदाउट एडजस्टमेंट कैन वी स्टिल सेल थ्रू? यू कैन स्टिल मेक द मनी एंड यू विल मेक मोर मनी इफ यू डोंट डू द एडजस्टमेंट, ये भी बता देता हूं मैं आप। ये जो डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड है उसमें एडजस्टमेंट ना करें तो अच्छा है, अनलेस जो एक्सीडेंट वाला सिचुएशन है वो करंट मंथ में हो जाए। ओके करें तो कर लीजिए, उसमें अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज डू इट, बट नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए ओके, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, काफी फेवरेट स्ट्रेटजी लोगों का, लेकिन रिटेलर्स को पता नहीं है, सारे ऑपरेटर्स ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जो एफ एंड ओ के एक्सपर्ट होते हैं वो स्ट्रेटजी यूज करते हैं। कवर्ड कॉल टू रेशो स्प्रेड, दे स्टार्ट विद द कवर्ड कॉल एंड दे एंड अप इन द रेशो स्प्रेड। हम लोग क्या करते हैं, या तो स्टार्टिंग में रेशो स्प्रेड कर देंगे या कवर्ड कॉल कर देंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो कहते हैं ना घाघ लोग जो होते हैं, वो लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो कवर्ड कॉल को रेशो स्प्रेड पे लेके जाते हैं। तो वो मैं उसका आपको लॉजिक बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बाय ए फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट मंथ व्हेन एनी स्टॉक हैज फॉलन 5-10% ड्यूरिंग लास्ट 5-7 days कंटिन्यूअसली विदाउट एनी कंपनी स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज। रूल देख लीजिएगा, आपको 198 जो आपके एफ एंड ओ के स्टॉक है उनको आपको ट्रैक करना है। कोई भी जो शेयर आपका कम से कम 5-10% एक वीक में गिरा है, या 5% गिरा है, या 8% गिरा है, और कोई कंपनी की स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज, अब जैसे आप आईटी इंडस्ट्री ले लीजिए, अब आईटी इंडस्ट्री से एज ए जनरल गिरा है, लेकिन टीसीएस का कोई जबरदस्त नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो टीसीएस इज अ सेफ बाय, ठीक, क्योंकि वो पिछले 15 दिन के अंदर करीबन 10-12% गिरा है, तो दैट्स अ वेरी सेफ स्टॉक। तो हमको ऐसा फ्यूचर देखना है कि नंबर वन वो 5-10% गिर गया है, क्योंकि मेरे को सेफ्टी पहले चाहिए। इतने लोग क्या बोलते हैं, मैं ब्रेकआउट में फ्यूचर खरीदूंगा, पर ब्रेकआउट में फ्यूचर खरीदने में हो सकता है कि मोमेंटम में मेरे को 2-5 रुपए और मिल जाएगा, लेकिन कहीं अगर गिर गया तो मेरे घर से पैसा चला जाएगा। तो उसी के लिए हम स्टेप नंबर वन करेंगे, फ्यूचर हम तब खरीदेंगे जबकि वो शेयर आपका 5-10% गिर गया। जैसे जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जी 260 रुपए चल रहा था, 260 से थर्सडे को 240 आया, अब 240 में जिसने फ्यूचर लिया होता तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। कोई भी शेयर ले लो, 5-10% गिरा है, चाहे वो टाटा केमिकल हो, टाटा मोटर हो, एसबीआई हो, गिरा है कोई, लास्ट डे रिलायंस ही ले लो सर, मैंने खुद कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन रूल ये है कि वो कम से कम 5-10% गिरना चाहिए और कंपनी का नेगेटिव न्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब रिलायंस का कोई स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक न्यूज। सिस्टमेटिकली अगर कोई रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है कि सारे शेयर गिरे हैं तो कोई इशू नहीं है, पर्टिकुलर कोई शेयर गिर गया है तो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, वो नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें फ्यूचर लेना है, नंबर वन स्टेप। देन उसके बाद का जो स्टेप है, अच्छा ये पहले तो हम सोचते हैं ये होता क्यों है। दिस इज इनवेरिएबली, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑपरेटर्स, दिस इज ड्यू टू मेजर प्लेयर्स ऑफलोडिंग देयर पोजिशंस टू क्रिएट पैनिक अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स विद एन इंटेंशन टू री एंटर एट लो प्राइसेस। सर वही है सर, कोई भी शेयर ले लो, टीसीएस से लेके सुजलोन से लेके टाटा केमिकल से लेके किसी में भी ले लो, ये मेजर प्लेयर्स आपके पोजीशन को अपलोड करते हैं जिससे रिटेल में पैनिक क्रिएट हो जाए और वो लोग जो है री एंटर करें लो प्राइस पे, फिर उसको धीरे 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 करके ऊपर लेके आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे ब्रेकआउट आ गया है, टीवी वाले बोलेंगे ब्रेकआउट आ रहा है, लोग घुसेंगे फिर मरेंगे, फिर वो अपलोड कर देंगे फिर वो नीचे घुसेंगे, ऐसे इनका 7-10 दिन का इनका साइकिल चलता है और इसमें ये लोग 100-200 करोड़ लेके निकलते हैं। हर शेयर का मुंबई के अंदर कार्टेल है, हर शेयर का, जिसमें 5-7 इनके मेंबर होते हैं और वो मिला के ये कार्टेल को चलाते हैं लोग। ये बड़ा आपको खराब लगेगा सुनने में बट ये फैक्ट है, जिसमें म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो शेयर्स को गिराएंगे, शेयर्स को ऊपर लेके जाएंगे और सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर उनको पैसा दे रहा है। बेचारा रिटेल इन्वेस्टर अपना नौकरी से पैसा कमाता है और शेयर मार्केट को देखे जाता है, क्योंकि उसको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो उसको मैंने निकालने के लिए निकाला है कि अपन फ्यूचर तब लेंगे जब वो लगातार वो मार्केट को गिराते जा रहे हैं ऑपरेटर,
जब वो खरीदने वाला है तब हम भी खरीद लेंगे एक फ्यूचर को चुपचाप। तो स्टेप नंबर वन, जैसे ही आपने फ्यूचर खरीदा उसका आगे का एक स्टेप आगे का आपको ओटीएम का कॉल भेज देना है अगले महीने का, और अगले महीने का ही फ्यूचर खरीदा है, मतलब यानी कि नवंबर का आप फ्यूचर खरीदोगे और नवंबर का ही ओटीएम का कॉल भेजोगे। यहाँ आपको यू शुड नॉट बी ग्रीडी। और ग्रीडी कैसे होता है, लोग बोलते हैं थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा तब मैं कॉल बेचूंगा तो मेरे को मार्जिन ज्यादा मिलेगा, पर आपको ये पता नहीं कि वो और फ्यूचर गिर सकता है। किसी को पता नहीं कि 10 दिन फ्यूचर गिर सकता है, हो सकता है वो ऑपरेटर को 15 दिन तक गिराता रहे। तो अपने को इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस लेने के लिए हमको तुरंत जैसे ही हमने फ्यूचर खरीदा हमारे को अगले महीने का ओटीएम का कॉल बेचना है। अब ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है दैट एवरीबडी टॉक, इसका जो बात वाला पार्ट है मैं बताता हूँ वो क्या है। ये तो हर आदमी करता है, हर आदमी जानता है, इसको थोड़ा मैंने अच्छे से आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। नाउ द इफ द फ्यूचर स्टार्ट फॉलिंग, अभी आपने फ्यूचर पहले ही 10% नीचे पे लिया है और फ्यूचर उससे ओवर अगर गिरने लग गया है तो यूअर जो नेट कॉस्टिंग है दैट विल बी फ्यूचर बाई लेस कॉल प्रीमियम। यानी कि अगर आपने 240 का अगर आपने जी का फ्यूचर खरीदा और 250 की अगर आपने कॉल आपने 20 रुपए में बेची है तो आपकी नेट कॉस्टिंग तो 220 रुपए हो गई। तो अगर मान लो आप मेंटली तैयार हो कि यार ये तो 45 दिन तक अगले एक्सपायरी तक वो 220 के नीचे ही रहेगा तो यार डिलीवरी ले लेना और क्या है, ज्यादा से ज्यादा वही ना होगा, तब भी यू लिव मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर, क्योंकि आपने पहले तो 10% नीचे पे खरीदा है और फिर आपने जो है ओटीएम का कॉल बेच के आपको फिर आपको जो है 5-7% और पैसे मिल गए। अगर आ गया तो मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूँ। नाउ सो इफ द फ्यूचर कंटिन्यू टू फॉल यू कैन डू दिस थिंग सेल फॉर ओटीएम कॉल टू रिड्यूस योर नेट प्राइस। अब ये 240 से अगर मान लो 200 रुपए जो आ गया तो आप कॉल बेच दो, एक दो कॉल और बेच दो तो आप अपना प्राइस कम कर सकते हो, ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, बट पहले वाला जो था वो थ्योरी था। नाउ तभी आता है जो मेन पार्ट जो है जो आपके जो जो आपके श्रूड जो आपके एफएनडो जो ट्रेडर होते हैं वो करते हैं। इफ द फ्यूचर स्टार्ट राइजिंग योर नेट प्रॉफिट विल बी प्रीमियम कलेक्टेड प्लस डिफरेंस इन कॉल स्ट्राइक प्राइस एंड द फ्यूचर बाय प्राइस। दिस इज द जनरल रूल कि अगर वो जैसे आपका वो फ्यूचर बढ़ने लग गया तो जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम और जो दोनों का जो स्ट्राइक का और जो फ्यूचर का बाय का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, एंड दैट इज फिक्स प्राइस, ठीक है ना। दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल दैट एवरीबडी नोस। अभी जो गेम स्टार्ट हो रहा है वो है नाउ वी विल मूव टू रेशो स्प्रेड। अभी हमें रेशो स्प्रेड पे हम मूव करेंगे। अभी हमने कवर्ड कॉल किया हुआ था, कवर्ड कॉल में फ्यूचर अगर नीचे गिर रहा है तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं 220 पे मैं डिलीवरी ले लूंगा, लेकिन 45 दिन का टाइम है, मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब वो शेयर ऊपर जाना ही जाना है, तो नीचे आ गया तो मैं ले लूंगा डिलीवरी। अब ऊपर गया तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, अभी मैं रेशो स्प्रेड में मूव करने वाला हूँ। ये हमको कोई बताता नहीं है क्या रूल है। रूल पढ़िएगा, व्हेन द ओटीएम कॉल बिकम आईटीएम, यानी कि जो आपने ओटीएम की कॉल बेची थी वो अगर आपकी आईटीएम हो गई, सेल अनदर वन स्टेप हायर प्रिवेलिंग ओटीएम कॉल विदाउट एनी हेज, without any hedge and continue for 2-3 times your long future and the theta decay will balance your ratio positions 99% mein aap profit mein niklenge zabardast। yahan aapko darrne ka zarurat nahi hai। abhi maine dekho yahan likha hai ki apne ko hedge nahi lena hai, kyon hedge nahi lena hai ki jo mera future jo maine kharida hua tha wo mere ko zabardast ek mere ko ek position de raha hai ki main even unhedged position mein le sakta hu, aur invariably जब वो शेयर आपका जो इतना ऊपर जाता है तो वो नीचे आता ही आता है, तो यू कैन गो फॉर अ रेशो ट्रेड। तो आपने रेशो डे वन पे नहीं किया है, आपने रेशो आपने लिया है जब आपका फ्यूचर आपका 20 रुपए बढ़ गया, जब आपका ओटीएम कॉल आईटीएम हो गया है तब आप एक और ओटीएम कॉल बेच रहे हो। यानी कि जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने 260 में जी लिया और जी 260 में लेने के बाद में 280 का या 270 का आपने कॉल बेचा था, अगर वो 270 आ जाता है तो मैं 280 की कॉल बेच दूंगा, 280 आ जाता है मैं 290 की कॉल बेच दूंगा। अब ऐसा थोड़े ना होगा कि 200 रुपए वाला शेयर 400 रुपए जो है 10 दिन में हो जाएगा। तो थीटा डीके जो होगा, जो लॉन्ग फ्यूचर आपका जो पोजीशन एक आपकी खड़ी हुई है वो आपको एडिशनल आपको एक ताकत देता रहा है या आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है कि यू कैन मैनेज योर पोजीशन एंड यू कैन कम आउट विद अ जबरदस्त प्रॉफिट। में आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ओके, अब इसमें एक ही रिस्क है कि खुदा ना खास्ता वो 50% बढ़ जाए या 50% गिर जाए, तब भी आप संभाल लोगे, लेकिन तब आपको थोड़ा हार्ट बीट आपके बढ़ जाएंगे।
तो वो भी अगर होता है तो ट्राई टू बाय करंट मंथ का फार ओटीएम का कॉल ले लो या पुट ले लो टू टेक केयर ऑफ एनी रैली और क्रैश। ये अगर फिर अपन स्प्रेड में आ गए, यानी कि मैंने फ्यूचर का जो है मैंने ओटीएम का कॉल खरीदा है, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ने का तो फार फार ओटीएम का जाके 2 रुपए का 3 रुपए का कॉल खरीद लो और क्या है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। बट इनवेरिएबली ये होता नहीं है। इनवेरिएबली कोई भी एफएनडो का स्टॉक 50% एक महीने में बढ़ना रेयरली होता है, मतलब रेयरली 50% एक शेयर आपका एक महीने में बढ़ेगा रेयरली। तो इसको गोदरेज प्रॉपर्टी में ट्राई कर सकते हैं 1500 से 1200 कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टी 1100 1150 1200 में बहुत बढ़िया भाई है, वो 1400 1500 रुपए तो वो कभी भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फ्यूचर ले लो और 1200 की कॉल भेज दो, 1200 आ जाए 1300 की कॉल भेज देना, 1300 आ जाए 1400 की कॉल भेज देना, और फ्यूचर को एक्सपायर मत करना। फ्यूचर जो आपने लिया है 1150 में फ्यूचर लिया है, फ्यूचर को खड़ा रखो आप। नहीं जैसे मैं अभी मंडे को ट्राई करें, अपने 1190 का रेट चल रहा है इसका, वही बता रहा हूँ कि 1190 में चल रहा है कि आपने मान लीजिए 1190 में फ्यूचर लिया, ठीक है, अभी आप 1250 की आप कॉल भेज दीजिए। अभी वो शेयर जब 1250 आ जाता है तो अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 60 रुपए मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा, 10 रुपए तो वो डिफरेंस वाला और 50 रुपए का जो स्प्रेड है वो या आपका जो प्रीमियम मिला 60 रुपए मिलेगा। अभी अपने को एग्जिट नहीं करना है, जब वो 1250 आ जाएगा तो 1300 की कॉल भेज दो आप। अच्छा, और 1300 अगर आ जाए तो 1350 की कॉल भेज दो आप। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो गोदरेज प्रॉपर्टी 1200 से लेके 1800 एक महीने में हो जाए, ये तो होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली वापस आपको 45 दिन में 2-4 बार तो ऊपर नीचे हो गए होगा, उस समय आप अपना बाहर निकल जाओ। सो दिस इज वी आर मूविंग फ्रॉम कवर्ड कॉल टू द रेशो स्प्रेड इन अ प्लांड वे, क्योंकि मेरा लॉन्ग फ्यूचर है, लॉन्ग फ्यूचर मेरे को जबरदस्त प्रॉफिट दे रहा है। जैसे अगर मान लो प्राइस आपका गोदरेज प्रॉपर्टी का 1400 रुपए हो गया मान लीजिए, तो आपने फ्यूचर तो 1190 में लिया था ना, तो 1190 और 1400 210 रुपए का प्रॉफिट इनटू 325 रुपीज, मतलब 70-80 हजार रुपए तो आपको फ्यूचर में मिल जा रहा है, और थीटा डीके भी आपका हो रहा है, तो सब मिला के आप जबरदस्त प्रॉफिट में निकलेंगे। और नीचे अगर गिर गया तो मैं तैयार हूँ कि भाई मैं आपका 1150 में मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूँ गोदरेज प्रॉपर्टी का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और बीच बीच में मैं ओटीएम की कॉल भी भेज दूंगा। तो ये सब काम तब होता है जब आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना वो इंपल्सिव होकर काम करते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। अगर आपका बिजनेस प्लान या अगर आपका स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, नीचे गिर जाएगा तो मैं ये करूंगा, ऊपर चले जाएगा तो मैं करूंगा, आप अच्छे से पैसे बना के निकलोगे। तो जो मैंने लास्ट लाइन लिखा है, डोंट गेट पैनिक, हैव पेशेंस, देयर विल बी मेनी अप एंड डाउन इन 40-45 डेज, बिकॉज ऑपरेटर 50 दिन तक वेट नहीं करेगा, उसको तो हर 7 दिन में पैसा निकालना है, तो हमको कोई वही पैसा लेकर निकलना है। तो लेट प्राइस राइज और फॉल टू एनी लेवल, यू विल बी विनर इन ऑलमोस्ट 90% केसेस। मैं 100% नहीं लिख रहा हूं, मैं उसे भी आगे पकड़ लेगा, तो इसने 90% लिखा है, बट मैं बता रहा हूँ आप प्रॉफिट लेके निकलोगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग फ्यूचर है ना वो आपको जबरदस्त स्ट्रेंथ दे रहा है आपको। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे जी से। ओके, तो जी का मान लो 270 का फ्यूचर आपने 270 में खरीद लिया, मतलब अक्टूबर का जो प्राइस चल रहा है 200, मैंने ये सितंबर में स्लाइड बनाया था, तो 270 में आपने जी का फ्यूचर ले लिया और आपने 280 की कॉल 20 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो आपका जो लोअर ब्रेक इवन प्राइस है वो 250 है, 270 माइनस 20 250, और अपर ब्रेक इवन पॉइंट आपका 300 रुपए है, क्योंकि 280 की कॉल है तो 280 प्लस 20 रुपए 300 रुपए का आपका अपर ब्रेक इवन प्राइस है। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होना है, एज पर द थ्योरी, जो कवर्ड कॉल की थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर प्राइस अपर ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर कहीं भी चला जाए आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, और नीचे में आपको 250 पे आपको डिलीवरी ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और ऊपर में जाएगा तो 30 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला। अभी हमारे को ये देखना है कि मैं इस 30 रुपए को प्रॉफिट को मुझे कैसे ज्यादा करना है, दैट इज द इशू। सपोज द प्राइस राइज टू 290, प्राइस आपका 270 पे फ्यूचर था, 290 पे आ गया, सेल अनदर 300 कॉल इन ₹15, यानी कि जब 200 प्राइस 290 आ गया है तो आपने 300 की एक कॉल और बेच दी, आपने आप रेशियो में आ गए। अभी आप एक फ्यूचर पे एक कॉल बेचा तो कवर्ड कॉल है, और एक फ्यूचर पे अभी आप दो कॉल बेच रहे हो तो आप रेशो में आ गए आप, यानी कि आपने 300 की कॉल 15 रुपए में बेच दी। अभी प्राइस आपका 310 पे चला गया मान लीजिए, आपने एक 320 की कॉल और 10 रुपए में बेच दी,
आप बोलोगे यार तो बहुत बड़ा भारी टेंशन वाला काम कर रहे हो, फ्यूचर तो एक ही है और आपने कॉल बेच दिए 30, लेकिन आप मान के चलो कि ऐसा नहीं होने वाला है कि प्राइस 320 से और चला जाए, चला भी जाए तो हम उसको संभाल लेंगे। देखिए कैसे, सपोज एक्सपायरी प्राइस 320 रुपए पे हो गई, आपने 270 पे फ्यूचर लिया था, 280 पे आपने कॉल बेची है, 300 पे कॉल बेची है, 320 पे कॉल बेची है और एक्सपायरी पे 320 पे प्राइस हो गया, तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है 50 रुपए। 270 माइनस 320 यानी 50 रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर पे आ गया। 280 के कॉल पे आपको 20 रुपए का लॉस हुआ, 300 की कॉल पे आपको 5 रुपए का लॉस हुआ, 320 की कॉल में आपको पूरा 10 रुपए मिल गया, आपका नेट गेन 35 हो गया। यानी कि जो 30 रुपए था, 30 से आप 35 रुपए आ गए, तब भी आप प्रॉफिट में निकल रहे हो, प्राइस बढ़ता जा रहा है तब भी आपको 35 रुपए, 30 रुपए की जगह 35 हो गया, 35 × 30 रुपीज 1 लाख का प्रॉफिट लेकर निकल गए आप। अभी प्राइस 320 पे जाने के बाद में मान के चलो नीचे आएगी आएगी, वो 300 पे प्राइस आ गया वापस, 320 पे गया और प्राइस 300 पे आ गया, तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट 30 रुपए रह गया, 50 रुपए का जो था वो 30 रुपए में रह गया, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस 20 रुपए नीचे आ गया। तो लेकिन 280 के कॉल पे आपको कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि 280 पे 20 रुपए का आपने बेचा था, प्राइस 300 हो गया है, तो आप ब्रेक इवन पे 280 कॉल पे निकल रहे हो। 300 की कॉल पे 15 का प्रॉफिट हो गया, 320 की कॉल पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, नेट गेन आपका 55 रुपए हो गया, मतलब जो आप 30 रुपए पे जो आप कवर्ड कॉल कर रहे थे अभी आपको 55 रुपीज हो गया जब प्राइस 300 आ गया। और अगर प्राइस अगर 270 आ गया तो आप देखिए आपका प्रॉफिट 45 आ रहा है, मतलब कि हर सिनेरियो में आपका प्रॉफिट जो है आपका ओरिजिनल से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने रेशो स्प्रेड किया है। अभी रेशो स्प्रेड में आप बोल सकते हो यार वो 320 से प्राइस होकर 340 चला जाए, कुछ होने वाला नहीं है, पहली बात तो वो इतना प्राइस बढ़ेगा नहीं, बीच में आपको कितने ही मौके मिलेंगे जब आपका प्राइस नीचे वाला है, आप ज्यादा प्रॉफिट लेके निकलोगे। अभी वो प्राइस 240 आ गया शुरू में ही, मतलब कि प्राइस ऊपर ही नहीं गया और प्राइस आपका 240 आ गया, 270 पे आपने किया था 240 आ गया, तो आपको फ्यूचर में लॉस हुआ है 30 रुपए का, 280 के कॉल में हुआ 20 रुपए का, नेट लॉस आपका 10 रुपए का हुआ। अगर प्राइस उसी दिन से नीचे गिरने लग गया तो 10 रुपए का आपको लॉस हो सकता है। इस वाले केस में मैं थोड़ा ओटीएम का कॉल बेच के मैं 10 रुपए को और मैं कवर कर लूंगा, मैं अगर मैं नहीं भी करता हूं तो ज्यादा ज्यादा 10 रुपए का लॉस होगा और प्रॉफिट आपको ऊपर में 30 रुपए 35 रुपए 45 55 इतने सारे आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो सेल ओटीएम फॉर ओटीएम कॉल ओटीएम पुट टू गेट सम एडिशनल क्रेडिट बाई वन ओटीएम लॉन्ग पुट। अभी ये एक अप्रोच जो है ये अगेन जो आपके बड़े जो ट्रेडर है वो बताते हैं कि जब प्राइस आपका बहुत ऊपर चला जाए, यानी कि 270 पे लिया था प्राइस 310 आ गया 320 आ गया, उस समय क्या है कि आपको जो है सिंपली जो है एक आप ओटीएम का लॉन्ग पुट खरीद लो और वो लॉन्ग ओटीएम का जो पुट है वो आपका जैकपॉट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैंने जिस दिन ये बाजार आपका जब 1500 पॉइंट थर्सडे को गिरा था, मैंने चुपचाप जो है मैंने कॉल खरीद ली निफ्टी की फॉर ओटीएम वाले और नेक्स्ट डे जो है जाने में कितना गया मेरा 40 रुपए और नेक्स्ट डे जब 1000 पॉइंट मार्केट बढ़ गया एक दिन के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हो कि उस कॉल का कितना प्रॉफिट बढ़ गया। या जब मार्केट आपका बहुत बढ़ गया है चुपचाप आप पुट खरीद दो, आप जाने दो मार्केट दो बार पुट आपका जीरो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने दो, लेकिन एक बार वो पुट आपको इतना ज्यादा पैसा दे देगा ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट तो आजकल रोज हो रहे हैं ना, पहले एक्सीडेंट महीने में एक होता था, आजकल एक्सीडेंट हर तीसरे दिन हो रहा है, या तो वो 1000 पॉइंट गिरता है 1000 पॉइंट ऊपर जाता है। तो मार्केट अगर बहुत ऊपर चला गया चुपचाप ओटीएम की पुट खरीद लो बहुत सस्ती मिल जाएगी, मार्केट बहुत नीचे गिर गया है चुपचाप ओटीएम की कॉल खरीद लो शांति से बैठ जाओ, दो बार लॉस होगा तीसरी बार में आपको 20 गुना प्रॉफिट देकर निकल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। तो दिस वॉज अबाउट द कवर्ड कॉल टू रेशो स्प्रेड। Now you have a question anything? मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होता है सर? आपका जो मतलब लॉन्ग कॉल और उसका करीबन 3 लाख रुपए आता है झील के जी के अंदर, 3-3.5 लाख रुपए में काम हो जाता है। 3-3.5 लाख आप दो बारी कॉल सेल करने के बाद भी? हाँ नहीं नहीं नहीं, आप जब एडिशनल कॉल बेचोगे तो आपका प्रीमियम वो आपका कॉल बढ़ता जाएगा। भाई देखो शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो कैपिटल आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं कैपिटल है तो प्रॉब्लम है। शर्मा जी का क्या स्टेटमेंट है कि कैपिटल मार्केट में कैपिटल है तो काम करो नहीं तो काम मत करो। अगर आप सिर्फ मार्जिन के बेसिस पे भरोसे बैठोगे तो पैसा लुटा के जाओगे, आपके पास में ताकत होनी चाहिए पैसे की।
तभी ही कैपिटल मार्केट से कैपिटल निकाल पाओगे, नहीं तो कैपिटल देके जाओगे, ये याद रखो आप। तो जी में आप दो बारी अगर कॉल सेल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लाख का आपका, हाँ 6-7 लाख आ जाएगा 6-7 लाख आ सकता है, आ जाएगा। जिस महीने का हमने बेचा उसी महीने का ले लेंगे, जिस महीने का हमने बेचा है मान लो नवम्बर का बेचा है तो नवम्बर की आप फार ओटीएम लेके बैठ जाओ चुपचाप शांति से, और क्या है अपन ये मान के चलो कि मुझे मार्केट को देना है, वो मतलब मैंने इंश्योरेंस लिया है, जैसे मैंने पहले शॉर्ट शेड्यूल में बताया था कि मैं चाहता हूं कि एक्सीडेंट ना हो, कोई बात नहीं, मैं 5 रुपए मैंने 40-20 रुपए का लिया है, 2-3 रुपए का मैंने, अगर मार्केट मुझे लेना चाहे तो लेता जाएगा मार्केट, कोई बात नहीं, मैं दक्षिणा दे रहा हूं मार्केट को, लेकिन किसी दिन वो दक्षिणा आपको जो है 20 गुना प्रॉफिट दे देगी, तो वो उसके साथ साथ एक जो है जो कहते हैं ना कि आपने तड़का लगा दिया आपने, चल गया तो जबरदस्त तुक्का है, नहीं है तो जाने दो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़े से जो है अपने को ध्यान डाइवर्ट करके और हमें ये थोड़े से और ट्रेड लेने पड़ते हैं, एक एक फिक्स रूल पे नहीं चलना पड़ता। सर मुझे एक बार स्लाइड दिखाइए, मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा है, मेरे ख्याल से शायद लिखने में गलती हो गई है क्या, ये जो लास्ट स्लाइड आपने हटाई है इसमें ये वाली, एक सेकंड, हाँ ये लास्ट, हाँ इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जो ऊपर से शायद 7वां 8वां लाइन है, सपोज एक्सपायरी प्राइस 320, प्रॉफिट इन फ्यूचर 50, यहां तक ठीक है, लॉस इन 280 कॉल -20। अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमने इसको 20 रुपए में हमने इसको सेल किया है ना कॉल को, बराबर एक्सपायरी करा रहे हैं हम 320 पे, बराबर इन द मनी कॉल हो गई, इसका मतलब 40 रुपए का प्रीमियम जाएगा सर हमारा कम से कम, तो 20 मुझे मिलावा भी तो है, 20 मेरे को मिलावा अच्छा। भी तो है, 280 कॉल मैंने 20 रुपए में बेची थी ना, अच्छा ठीक 20 में बेची जो 40 हो गई, तो नेट 20 की 40 हो गई तो मेरे को 20 रुपए का नेट लॉस हुआ ना मेरे को, करेक्ट है करेक्ट सर। अब 300 वाली कॉल मैंने जो है 15 रुपए में बेची थी क्योंकि वो ऐसी हो जाएगा थोड़ा ज्यादा चला गया तो मेरे को 5 रुपए का लॉस हुआ, ऐसी हो गया कॉल में, बराबर ना? हाँ मैं गलती से थोड़ा रियल टाइम में आ गया, ठीक है चलेगा। और एनी क्वेश्चन ऑन दिस कवर्ड कॉल के ऊपर, ये अगेन एक है ना पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, एक एक फिक्स रूल से नहीं चलोगे आप, लॉजिक समझना पड़ेगा, वो आपके अपने दिमाग में डालना है, सबकॉन्शियस माइंड में आना है और कंटिन्यूसली उस पर काम करना है, तब आपको पैसा मिलेगा। आप सोचो कि यार कि मैंने कोठारी ने एक दे दिया, मैंने ट्रेड ले लिया, अभी तो मुझे नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होता है, बहुत अप एंड डाउन आते हैं मार्केट के अंदर, बट आप कैसे खड़े रहोगे, अगर आप खड़े रह लिए अगर आप में वो पेशेंस है मार्केट आपको पैसा देगा, ये गारंटी है। और जहां आप झुक गए, जहां आप यार मैं तो बाहर हो रहा हूं, तो फिर आप बाहर हो गए। सर इसमें कवर्ड कॉल में एग्जिट कभी मारना है? एग्जिट हमको जब भी आपका रीजनेबल प्रॉफिट आ जाए पूरा बाहर निकल जाओ आप। सर क्या होता है ना, 75% मेरा रूल है, 75% का मेरा मैक्स प्रॉफिट का अगर 75% आ रहा है मैं निकल जाऊंगा, या तो रोल ओवर कर जाऊंगा या निकल जाऊंगा, या तो रोल ओवर कर जाऊंगा या निकल जाऊंगा। जैसे मेरा मैक्स प्रॉफिट अगर मान लो 40 रुपए का है या 30 रुपए का है मान लो, और 40 रुपए में मुझे 30 रुपए मिल रहा है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही बाहर निकल जाऊंगा, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मार्केट ने मुझे बहुत दे दिया, मेरा रिटर्न 10% का 8% का आ गया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अभी जैसे मान लो जी का मैंने कवर्ड कॉल किया, अब जी के कवर्ड कॉल में मेरा प्रीमियम लग रहा है, मेरा मार्जिन लग रहा है 3 लाख रुपए, और 3 लाख के ऊपर मेरे को वो है 40,000-50,000 रुपए दे रहा है, और मुझे क्या चाहिए यार, मुझे पूरा समुद्र थोड़ी पीना है, जितना आ गया उतने में लेके निकल जाओ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब निकलना चाहते हो, मैंने बताया कि कवर्ड कॉल से अगर और निकालना है तो रेशो में चले जाओ आप। करेक्ट सर, पॉइंट वाज कि इसमें जैसे हाई मोमेंटम जो स्टॉक्स रहते हैं ना सर, इस पे जो प्रैक्टिकल पार्ट में बता रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम कवर्ड कॉल का अदानी पोर्ट्स मैंने किया था, तो मेरा खरीदा ही था 720 में, जैसे आप समझ लें कि 820 में मेरा फ्यूचर बाय था, ओके, एंड आई हैड सोल्ड एन 850 का कॉल, बराबर, एंड इट वेंट ऑल द वे अप टिल 970, ओके, इन द सेम मंथ विद इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 20 डेज मैक्सिमम, ओके,
इसमें जस्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस पे अगर मैं लगातार अगर 850 का 870 का भी अगर कॉल, मैं 900 की कॉल और भेजता और 950 की कॉल एक और भेजता, हाँ बट उसका जो प्रीमियम था ना सर, जो 900 का अगर मैं कॉल भेजता था, द आईवी शॉट अप बिकॉज इट वॉज ग्रोइंग अप वेरी सिग्निफिकेंटली एंड वेरी फास्ट. सो मेरा जो जो पीएनएल दिखेगा मेरे को, इट वॉज the loss was compounding very heavily. I didn't do the obviously 900 bin becha nahi, 950 bhi nahi becha, but in this that premium would be increasing quite significantly, and hence the future long tha na. Ji sir, lekin aapka future long tha na? Na na, isliye main dusra lot nahi becha tha, ek hi lot becha tha, so it was proper covered call. I was okay as far as the profit was concerned, but if I had self sold my second call and the third call also in this without any part of the protection, when I had to exit, because that is why I asked when I need to exit, if it was going great. देखो आप अदानी पोर्ट का एग्जांपल ले लो, आप अदानी पोर्ट 970 जाने के बाद मैं कहां आया वापस मेन थ्योरी पे? नहीं नहीं, ये आएगा या नहीं आएगा ये किसी को नहीं मालूम. उसी महीने के अंदर बोल रहा हूँ मैं, उसी महीने के अंदर मैं जगन्नी वही बता रहा हूँ मैं कि ऑपरेटर जो है ना वो प्राइस को इतना ऊपर नहीं लेके जाएगा, उसको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, उसको करना ही पड़ेगा. वो थोड़े नहीं वो है कि वो खरीदवाता जा रहा है, मार्केट को खरीदता जा रहा है, तभी तो रेट बढ़ रही है. अच्छा बताइए रेट कैसे बढ़ता है, आप थोड़ा मुझे लॉजिक बताइए. अदानी पोर्ट ले लो या कोई भी शेयर लो, उसका भाव कैसे बढ़ता है? उसका भाव ऑपरेटर बढ़वाते हैं ना जब बाइंग ऑर्डर आते हैं. सिंपल है वो, सिंपल है यार. वो टीवी पे आके बोलने लगेंगे, एक्सपर्ट्स उनके आके बोलने लगेंगे, वो प्राइस धीरे 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 करके बढ़ते जाएंगे. हर आदमी सोचने लगता है कि यार 940 हो गया, अब 1000 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा. जैसे ही उसको आप बिलीव नहीं करोगे, आप तो बॉम्बे में हो ना जगन? हाँ सर. हाँ, एनएससी से उनके पास जो डायरेक्ट टर्मिनल उन पर लगे हुए होते हैं ना, उन्होंने IITians और जो IIM के जो लड़के होते हैं उनको 10-10 लाख की सैलरी पे इनका काम करते हैं. उनका काम सिर्फ यही है कि एवरी मोमेंट पे वो अपना पीएनएल निकालते हैं बाजार के ऑर्डर के बेसिस पे. मतलब कि स्टॉप लॉसेस कितने लगे हुए हैं, किस रेट पे लगे हुए हैं, कितनी लॉन्ग पोजीशन चल रही है, कितने शॉर्ट पोजीशन है. एवरी सेकंड पे ऑपरेटर के पास में ये पता होता है कि मैं प्राइस को यहाँ ले जाके छोड़ूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा, और यहाँ जाके छोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राइस आएगा. एंड दे मैनेज इट. 100% बोल रहा हूँ कि ऑल शेयर्स आर मैनेज्ड. इसका मतलब जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 17,000, मुझे करेक्ट कीजिएगा, आपको पता होगा. अगर मार्केट निफ्टी 50 17,000 पे चल रहा है और मैंने मान लो 17,000 की कॉल बाय कर रखी है 300 रुपए में, और मैंने स्टॉप लॉस डाला है उसका 279, और वहां पे हजारों लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है 279 पे, तो उसको दिख रहा है ये, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, उसने एनएससी से जो सिस्टम किया हुआ है. तो सर ये तो ऐसा, फिर ये तो सर गुरुजी ये तो ऐसा हो गया कि मतलब ये तो क्वेश्चन पेपर ही उसको पहले ही मिल जा रहा है, ये तो चीटिंग हो रही है. वही हो रहा है, वही हो रहा है. और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है? आप कभी भी कैसीनो में जाइए, हर बार कैसीनो ही पैसा बनाएगा, तब भी आप कैसीनो में जाके खेलते हैं ना. आपको पता है हाउस इज ऑलवेज विन, यू नो हाउस इज ऑलवेज विन, इवन देन वी गो एंड प्ले इन द कैसीनो. इसका मतलब हम लोगों की रेस हो रही है. हाँ, इसका मतलब हम लोग रेस कर रहे हैं पर स्टार्टिंग लाइन हम लोगों की सेम नहीं है, तो वी कैन नॉट बीट. बराबर, उनको पूरा पोर्शन का पता है, ऑपरेटर्स को पूरा पोर्शन पता है. हाँ बोलिए. हाँ सर, मेरा 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 स्मॉल पॉइंट ये था, बिकॉज़ हूएवर इज डूइंग दिस, उनका मेंटल जो स्टेट है ना सर, ऑन द पीएनएल इट विल लुक लाइक अ ह्यूज लॉस इज हैपनिंग. सो हूएवर इज गोइंग टू डू फर्दर स्मॉल पॉइंट, जस्ट कंप्लीटेड, इफ यू आर गोइंग टू डू फर्दर सेलिंग ऑफ कॉल, do buy a far OTM call and then take the second or the third. Because mental peace बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो mental peace नहीं रहेगा, आप रात पे नहीं सो पाएंगे. जब वो भाग रहा है ना, बहुत तकलीफ दे देता है माइंड. लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग रेशो स्प्रेड करते हैं स्टार्टिंग में ही, वो कितना बड़ा रिस्क लेके चलते हैं. जो रेशो स्प्रेड स्टार्टिंग में कर देते हैं, एक फ्यूचर पे मतलब एक आपका खरीदेंगे कॉल और दो कॉल भेज देंगे, वो तो शुरू में ही कर लेते हैं. अपन तो ऊपर बढ़ने के बाद में कर रहे हैं, तो अपन तो फिर भी बहुत सेफ्टी पे चल रहे हैं. अगर आपको और सेफ्टी लेना है तो ठीक है, आप और ज्यादा ओटीएम जाके बेच लो. लेकिन मतलब मार्केट जो है ना वो मीन रिवर्सन पे काम करता है, बड़े शेयर जो होते हैं
उनको नीचे आना ही आना होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप बहुत सेफ है तो मत करो, नहीं अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो मत करो, वो वाली बात है। आप अपना रिवर्ड कॉल करके ही अपना पैसा निकाल के, वो भी आपको 8-10% का आरओआई दे दे रहा है ना। करेक्ट, यू आर राइट। तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि उससे अगर और पैसा निकालना है, जो ये लोग कैसे करते हैं, मैंने तो उनसे सीखा है, मैंने ऑपरेटर से ही बात कर करके सीखा है तुम लोग क्या करते हो। तो वो बोलते हैं सिंपल कुछ मत करो ना, दो कॉल भेज दो, ऊपर का और भेज दो, तुम क्या सोचते हो उस प्राइस को हम वहां तक लेके जाएंगे, हमको बुक करना ही करना है। रिटेलर तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, एक दो लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो ज्यादा पैसा ले जाते हैं तो ले जाते हैं, दैट्स द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, वो बोलते हैं दे नो इट्स द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। अब दो चार स्मार्ट हैं वो ऐसे कॉल भेज देते हैं तो ले जाते हैं पैसा, तो ठीक है ले जाओ यार, बाकी 90 लोग तो पैसा देके जा रहे हैं ना 100 में से। तो ये पूरा साइकोलॉजी का गेम चल रहा है यार, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है इस दो के ऊपर, दोनों स्ट्रेटेजी के ऊपर? ऑलरेडी अपना सवा बच गया, मेरे 4-5 स्ट्रेटेजी थी, मेबी इन द नेक्स्ट आगे के वेबिनार में कवर करूंगा। हाँ बोलिए उमा शंकर जी। सो नथिंग एक्चुअली यू आर पुटिंग ऑल दी थिंग्स इन द ग्रुप। या मेरा तो सब चीज ओपन है। इन एन एक्सेल शीट आर द सेम थिंग आर इन एन एक्सेल शीट लाइक लाइक द प्रीवियस वन यू यूज्ड टू पुट दोस डेज इन एक्सेल शीट सेक्शन। एक्सेल शीट में तो मैं पावर पॉइंट ही डाल देता हूं, भाई ये पावर पॉइंट है देख लो उसको कर लो। भाई मेरा टारगेट ये है जितने लोग पैसा बनाए उतना अच्छा है और सेफ तरीके से बनाए, माई लॉजिक इज सिंपल। और मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने की मुझे भी हिम्मत नहीं हो रही है, आई नो द सेम प्रिंसिपल विल वर्क। तो मैं देखता हूँ शर्मा जी अगर मेरे को टाइम देते हैं, इन्होंने एश्योर किया है कि आई कैन कम टू योर होम एंड देन डिस्कस ऑल दिस स्ट्रेटेजी, देन आई मे स्टार्ट इट, बट राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल इन स्टॉक्स। अरे जी अगर किसी के पास फ्यूचर नहीं खरीदना है तो ऑलरेडी जो हाथ में है यानी इक्विटी है वो भी ठीक है ना, इट विल कवर दैट थिंग आल्सो। हाँ बात तो एक ही है ना भाई, उसमें क्या है कि आपका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, जब आप फ्यूचर लेके और जो कॉल बेचते हैं तो आपका पोजीशन हेज मानी जाती है, दैट मींस कि यू हैज योर पोजीशन। बट अगर आप इक्विटी पे अगर कॉल बेच रहे हैं तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड हेज पोजीशन, तो आपका मार्जिन ज्यादा लग जाता है। एक तो आपने इक्विटी में पैसा लग गया और कॉल जो बेची आपने उसमें भी आपका पूरा मार्जिन लग गया, और फ्यूचर लेके अगर आपने कॉल बेचा है तो फ्यूचर इज ऑलमोस्ट फ्री होता है, उसमें एडिशनल मार्जिन नहीं लगता। तो वो इसका ये डिविडेंड भी आ रहा है ना सर, इसका जी का, जी का डिविडेंड 3 रुपए आने को तो हो गया आपका, ये नेक्स्ट डिविडेंड हो चुका है, वो 3 रुपए का आने वाला, वो भी क्रेडिट आने वाला है ना सर, वो भी क्रेडिट आने वाला है। हां वो अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ वो, अभी वो एजीएम के बाद होता है नॉर्मली ना, वो भी आने वाला है। सो एनी अदर डाउट एनी क्वेश्चन? पर मेरा मतलब एक ही मैसेज है, एक ही यह है कि जो भी काम करो उसको दिल से करो और पूरा उसमें घुस जाओ। फिर आप रात को आपको अगर सपना भी आए ना तो उसी चीज का सपना आना चाहिए कि यार कि वो उसमें क्या होगा, ऊपर हो जाएगा तो ऐसा करूंगा, नीचे हो जाएगा तो ऐसा करूंगा। जो कि अपने को शर्मा जी बताते हैं, शर्मा जी क्या बोलते हैं 2 घंटे सोते हैं वो, लेकिन उसमें भी उनका पूरा दिमाग में सारी कैलकुलेशन चलती रहती है। तो वो स्टेज में आपको आ जाना है, एक बार वो स्टेज में आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरीके से काम करने लगेगा और फिर आपका पैसा आएगा। और कॉपी मत करो लोगों का ट्रेड, ना मेरा कॉपी करो ना किसी का कॉपी करो, आप पहले उसको सीखो, उसका लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एडजस्टमेंट देखो क्या हो सकता है, वो अगर आपके दिमाग में पूरा हो गया देन बस एनफ। ठीक है उमाशंकर जी, कोतारी जी आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ कोतारी जी आप उनसे शर्मा जी से मिलेंगे तो उन्होंने वो मैथमेटिकल बताए उसकी एक आप एक्सेल शीट बना दीजिए, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, x2 आप एक्सेल बना देंगे तो समझ आ जाएगा आसान से। लेट अस होप कि आई अंडरस्टैंड, भाई जो उन्होंने जो बताया था, इन्होंने मोहित ने भी डाला था ना, तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ओनली, आज उन्होंने कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिया था। आप वो देख लो मोहित का, इन्होंने ऑलरेडी शेयर किया है ना पोस्ट। हाँ वो वर्ड फाइल तो मैं डाउनलोड कर दिया, एक्सेल ने जो तो समझ गया मैं। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा वो आप तो और तो एक्सेल से एग्जांपल डाल देते हैं ना तो और आसान से समझ आ जाती है। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं और उनसे और सीख के अगर होता है तो देन आई विल शेयर इट। या और एनी अदर थिंग? सवा बज गया, इट्स लंच टाइम फॉर एवरीबॉडी। ह्यूज एफर्ट बाय यू, थैंक यू सो मच, बहुत आपने मेहनत की दिखाई दे रहा है इसमें। नीरज जी कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, बट द वे इन विच यू आर यू नो एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, द वे इन विच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड कन्वे,